राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। गोविंद गोविंद गोपाला,
भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद 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 गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल, जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, श्री राम जय जय राम, जय राम 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 श्री राम राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, दशरथ नंदन राजा 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 राम, कौशल्या नंदन राजा राम, कौशल्या नंदन राजा राम, कौशल्या नंदन राजा राम, कौशल्या नंदन राजा राम, जय राम राम जय जय राम, सभी लोग ताली बजाते हुए गाइए, भगवान का पवित्र नाम तो गाना है भाई, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम।
सीता के पति राजा राम, 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 तुलसी यमुना साली ग्राम, तुलसी यमुना साली ग्राम, तुलसी यमुना साली ग्राम, तुलसी यमुना साली ग्राम, जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय सीता राम जय सीता राम, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीता राम भक्त राम, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय गौरनिता जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरे कृष्ण आराध्यो भगवान व्रजेश तनाया तदधाम वृंदावना राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधो व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाण ममालम् प्रेमापुमर्थो महान्
श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न पर लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये शिया राम मय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जोग पानी मनोज्वं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामचंद्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरे हु कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधारि वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य मिने गौरतिशे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिष्ठापित भगवान की इस कथा में
आप सभी भक्तों का स्वागत है। जितने भी वरिष्ठ वैष्णवगण उपस्थित हैं सभी के चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माधव तिथि जतने पालन करे, माधव तिथि जतन करके प्रयास करके मेहनत करके माधव तिथि। आज परम सौभाग्य की बात है, ऐसे माधव तिथि का आज ऐसे माधव तिथि भगवान को परम प्रिय ऐसे तिथि में बैठ करके हम सब लोग भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। परम सौभाग्य की बात है कि एकादशी जैसे पावन तिथि में बैठ करके हमें भगवान की कथा भगवत कथा सुनने का सो अवसर प्राप्त हुआ है। और इसके पीछे मात्र और मात्र कारण श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम लोग जो भी हो भगवान के विषय में दो शब्द चार शब्द कह पा रहे हैं। तो हमारे वैष्णव ग्रंथों में आया है कि माधव तिथि भक्ति जननी। क्या आया है? माधव तिथि जो है सो क्या है? भक्ति जननी। माधव तिथि मतलब कौन सा तिथि? माधव तिथि मतलब कौन सा तिथि? हाँ जोर से बोलिए। एकादशी। कौन सी? एकादशी तिथि को माधव तिथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कृष्ण को बहुत प्रिय है। और जतने पालन करी, जतने पालन करी मतलब जतन करके प्रयास करके मेहनत करके इसका क्या करना चाहिए? हमें पालन करना चाहिए। जतन मतलब हो गया कि जैसे महाराज तो कल बताए थे प्रभु जी कि 11 बार खा सकते हैं, 11 बार खाइए। ये प्रयास है, जतन है, जप है। और दिन भर टाइम पास कैसे करना होगा तो उसके लिए आप लोगों के घर में टीवी तो होगा, टीवी लगा करके बैठ सकते हैं। ये तपस्या हो गया। क्या हो गया? तपस्या। आराम से सोफा पे बैठ जाइए, पांव को टेबल पे रख दीजिए, रिमोट हाथ में। और क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही लगा लीजिए, टाइम पास हो जाएगा। ये तपस्या हो गया है ना? नहीं है? बहुत अच्छे लोग हैं। तपस्या नहीं है। गुरु महाराज का इसके ऊपर एक बहुत सुंदर वक्तव्य है। महाराज कहते हैं कि आज के मनुष्यों के जीवन में बहुत कम तपस्या है, बहुत कम तपस्या। क्या? साधारण सा चार नियम और 16 माला का जप, और उसमें भी दिन भर खाते रहो, कोई टेंशन नहीं है, प्रसाद भगवान का मिलता है। महीने में 2 दिन तपस्या करने के लिए आती है एकादशी, और उसमें भी भक्त लोग क्या ढूंढते रहते हैं? दही कौन से दुकान की अच्छी है, किस चीज की पकौड़ा बनाया जाए, है ना, क्या किया जाए, यही सब भक्त लोग ढूंढते रहते हैं। महाराज कहते हैं नहीं, एकादशी तिथि क्यों है? तपस्या के लिए। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक तपस्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि एकादशी को हम निर्जला रहे हैं। प्रभु जी एकादशी तिथि कब आती है? निर्जला सुनते ही, अगर निर्जला ना हो तो सजला करें, जल पिए, तपस्या करनी है।
अब जल भी संभव ना हो तब जूस पी करके रहे। चलो भाई प्रभु जी लिक्विड से संभव नहीं है तो कुछ फल लेना चाहिए, लेकिन लगे कि प्रभु जी 2400 एकादशी करने में कठिनाई आ जाएगी, नहीं कर पाऊंगा अथवा नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसी स्थिति में फलहार करना चाहिए लेकिन एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए, देख लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगले संडे से सब लोग यहाँ पे निर्जला करेंगे अगले एकादशी से और उसके अगले से कोई नहीं करेगा क्योंकि प्रभु जी पिछले बार एकादशी निर्जला की हम लोग बीमार हो गए ना, तो अब नहीं करेंगे। इस चीज का बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें, अपनी अपनी स्थिति देखनी चाहिए, है ना। जैसे भी हो हमें अच्छे से प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करें, पालन करें एकादशी तिथि का। किसी भी स्थिति में एकादशी बंद नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। परम सौभाग्य की बात है ऐसे एकादशी तिथि में बैठ करके हम लोग भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। अब लीलाएं तो बहुत सारी है लेकिन मैं बहुत सारी लीला कर नहीं बता नहीं सकता आपको क्योंकि समय तो आज ही भर है, कल तो थोड़ा सा कथा है ना। आगे कहते हैं भगवान को गुरुकुल भेजा गया, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापिस आए और वापिस आने के बाद विश्वामित्र जी आए, क्यों, भगवान को ले जाने के लिए विश्वामित्र जी आए। बहुत सुंदर दशरथ जी ने स्वागत किया, स्वागत करने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राजन अब आप एक काम करो मेरे यज्ञ में, यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सिद्धांत 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊं। राजा दशरथ ने यहाँ पर विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज आपका जन्म और मृत्यु के ऊपर जो विजय प्राप्त करने की साधना है वह कैसे चल रही है, या नहीं पूछा हाउ आर यू विश्वामित्र जी कैसे हैं आप, नहीं पूछा, क्या पूछा, आपकी जन्म मृत्यु के ऊपर जो विजय प्राप्त करने की जो साधना है वह कैसे चल रहा है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्या, ये जन्म और मृत्यु पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के ऊपर इसको क्रॉस करने का साधना प्रयास। बहुत सुंदर पूजा करने के बाद, बहुत सुंदर सब कुछ होने के बाद महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मैं आपके पुत्रों को लेने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज बड़े दुख से पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन बगल में ही वशिष्ठ जी बोले थे, बैठे थे, बोले महाराज आपके पुत्रों की उत्पत्ति हुई है यज्ञ की रक्षा करने के लिए, जाने दो अपने पुत्र को, रोको मत। बोले ठीक है, गुरु महाराज की आज्ञा है। दोबारा कोई शब्द नहीं बोले, फूल से फूलों की वर्षा कोई बात नहीं है, आज भगवान का विवाह है तो देवी देवता पहले से ही फूल बरसा रहे हैं है ना। दो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के गए, बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में ये लोग पहुंचे और इसी दरमियान रास्ते में जाते हुए उन्होंने क्या किया, ताड़का नामक असुर का वध किया और तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, यज्ञ की रक्षा की, है ना। भगवान श्री रामचंद्र ने बिना फर का वान मारा, बिना मतलब फर मतलब समझते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, तीर जो होता है उसका आगे बिना उस अग्रभाग का तीर मारा और वो मारीच 400 योजन दूर गिरा, गिरा तो गिरा, यह एहसास हो गया बाप रे बाप मैं किससे पंगा ले रहा था, अब दोबारा नहीं भगवान ने सोचा अभी मार दूंगा तो ठीक नहीं है, आगे लीला में सहायक बनेगा इसलिए छोड़ देता हूं, तो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने सभी को मारा, सभी जो थे
अन्य अन्य असुरों को भगवान ने सुबाहु इत्यादि को पावकसर नामक अस्त्र से मार दिया और विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा कर ली। और यज्ञ की रक्षा करने के बाद दूसरे दिन विश्वामित्र जी के यहां पे एक इनविटेशन कार्ड आया। कहां से आया? कहां से आया? जनकपुर से आया। धनुष जग सुनी रघुकुल ना था, हरसि चले मुनिवर के साथ था। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम लक्ष्मण आप चलोगे? बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, आप चलोगे? भगवान ने कहा, अब निकले ही हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। बहुत सुंदर, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में क्या देखते हैं? आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। एक रास्ते में एक आश्रम दिखा और उस आश्रम में क्या था? हाँ? कुछ नहीं था, लेकिन एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी। ये आश्रम कहाँ है? हाँ? आपके ही आजू बाजू है। कहाँ है? बक्सर, बक्सर के पास है। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि भाई विश्वामित्र जी महाराज, ये क्या, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? कोई नहीं, लेकिन ये स्त्री पत्थर की। तो महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी शाप बश उपल देह धीर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। कहते हैं राजन, गौतम ऋषि श्रापवश, गलती के कारण नहीं, श्राप के कारण। गलती तो किसकी थी? देवराज इंद्र की। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर हुआ करती थी, इंद्र की नजर बिगड़ गई। और एक दिन 2 बजे इंद्र मुर्गे का आवाज करने लगा। पहले के जमाने में ये अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करता था, मुर्गे की आवाज सुनकर के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाते थे। जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होता जा रहा है, आदमी उतना सुस्त होते जा रहा है। पहले 2 बजे उठ जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे, अब अलार्म बजते रहता है, टिंगिंग निंग 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 टिंग निंग निंग निंग, स्नूज 5 मिनट के लिए, फिर टिंगिंग निंग, फिर स्नूज। अरे मुर्गा देखो बोल रहा है। तो ऐसे मुर्गा बोलने लगा, इंद्र मुर्गा का रूप लेकर के, और गौतम ऋषि उस समय सोचे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं क्या? सोते हैं, माता जी मुंडी हिला रही हैं, सोते हैं, बहुत बड़ा अपराध करते हैं, सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोने से हमारी आयु क्या होती है? छिन्न होते जाती है, घटते जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, कभी भी नहीं सोना चाहिए। जिसको लंबा जीना है वो सवेरे उठ जाया करो। तो गौतम ऋषि उठ गए और स्नान करने के लिए गए। जब यमुना नदी पहुंचे, देखे चंद्रमा की दिशा को देख के समझ के, बोला अरे ये तो 2 बजा है, ये कोई बदमाशी है। जैसे घर पे आए तो देखा कि एक कोई मेरे ही स्वरूप का व्यक्ति मेरे घर से निकल रहा है। तुरंत देवी अहिल्या के पास गए और पूछे कि यहां पे क्या हुआ, बताओ। अब देवी अहिल्या तो अबाक रह गई, क्या बोले, अभी मेरे साथ थे वो, आप थे, वो तो समझ रही है कि गौतम ऋषि थे, आखिर हुआ क्या? गौतम ऋषि बार बार पूछ रही है, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ बताओ। ये अबाक है, ये कुछ बोल नहीं पा रही है, पत्थर की तरह खड़ी रही। तब गौतम ऋषि को क्रोध आया और कहा कि तुम पत्थर की तरह खड़ी हो, कुछ बोल नहीं रही हो, जाओ तुम्हें, तुम पत्थर की हो जाओ। अहिल्या पत्थर की, अपने पति के श्राप के कारण। परंतु हे राम, हे रघुवीर,
ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कई वर्षों से यहाँ पर क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। आप लोग को शायद पता नहीं है, पत्थर के शरीर में ही इतनी तपस्या कर दी, इतनी तपस्या कर दी कि युग ही बदल दिया। सतयुग, सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, त्रेता आ गया। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, पढ़ा नहीं है, है ना। नहीं तो प्रश्न उठेगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र इस मनवंतर में नहीं आए थे, इसके पिछले वाले मनवंतर में आए थे। तो तपस्या किया। देखिए अहिल्या से वास्तव में पाप हुई थी, गलतीवश ही, लेकिन पाप तो हुई थी। परंतु पाप करने के बाद भी अहिल्या अपने पाप छिपा नहीं रही थी, छिपा नहीं रही थी, बिल्कुल मार्ग में बैठी थी, बिल्कुल मार्ग में बैठी थी। चाहती तो अपने घर पर कोने पर भी जाकर के बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, मार्ग पर बैठी। किसी ने कहा, अहिल्या मार्ग पे क्यों बैठी हो, जाओ तुमसे गलती भी, कॉर्नर पे जाके बैठ जाओ, रूम बंद कर लो, अनेकों लोग इस मार्ग से निकलेंगे, तुम्हें ठोकर लगेगी। तब अहिल्या ने इतना ही कहा कि संसार के लोगों के ठोकर सहते सहते, खाते खाते, एक दिन मुझे भगवान के चरणों का ठोकर लगेगा, और जिस दिन भगवान के चरणों का ठोकर लग गया ना, उस दिन तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए बहुत सुंदर अहिल्या ने बताया कि भूल करना ये मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। बड़े बड़े देवताओं से भी भूल होती है। अब भागवत में देखिए सबसे अधिक गलती किसकी है, इंद्र की, सबसे अधिक गलती इंद्र की। दुर्वासा ऋषि का अपमान, पृथु महाराज के यज्ञ में विघ्न, भगवान को भी अपमान किया, भगवान को भी नहीं पहचान पाए। तो जब बड़े बड़े देवताओं से गलती हो सकती है, तो मनुष्य से होए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देवताओं का एक स्वभाव है, गलती होते हैं तो क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, छुपाते नहीं हैं। और हमारा क्या है, हम तुरंत छुपा लेते हैं। जब भी जीवन में पाप हो जाए, गलती हो जाए, अपराध हो जाए, क्या करें, तुरंत जाकर के अपने गुरु को कहें, गुरु के सामने, भगवान के सामने इसको क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए तुरंत। यदि पश्चाताप नहीं करेंगे तो इसकी बड़ी भारी सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए हमेशा प्रयास करें कि जो भी गलती हो उसे स्वीकार करें। कल का इतिहास, जैसल जडेजा नामक एक रन को, कच्छ के रन को छिन्न भिन्न करने वाला एक व्यक्ति हुआ, जिसने बहुत सारे पाप किए, सारे पाप किए। एक बार वह एक सती साध्वी नारी के साथ बोट होता है ना, जहाज, जहाज पर बैठ करके नदी से कहीं जा रहा था। उसी समय तूफान आ गया, भयंकर तूफान आ गया, और जैसल डरने लगा। उस साध्वी नारी से, तोरल से कहा कि हे तोरल, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। तोरल ने कहा, जैसल ये नाव का भार बढ़ गया है, पाप के कारण इसका पाप भर गया है। तो जैसल तुम एक काम करो, अपने पाप का इजहार करो, अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दो। वह जैसल सारे पापों का इजहार करने लगा, और जैसे ही उस जैसल ने सारे पापों का इजहार किया, कहते हैं कि उसी समय उस जैसल जडेजा की नौका पार लग गई। जीवन में गलती हो जाए कोई बात नहीं, जीवन में गलती होना हमारा यह स्वाभाविक स्वभाव है, लेकिन उसको क्या करें, भगवान के पास जाकर, गुरु के पास जाकर उसको स्वीकार करें, और फिर से दोबारा वह पाप करें। हाँ, करें कि नहीं करें? अरे ऐसा सिद्धांत है, आपको नहीं पता, क्रिश्चियन में ऐसा सिद्धांत है। डेली फ्राइडे को जाएंगे, एक विंडो होता है, वहां पे बोलेंगे आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आई हैव डन दिस, पूरा बोलेंगे,
और फिर आएंगे और फिर पाप करना शुरू, यही तो है उनका मूर्खता पूर्ण कार्य। पाप का इजहार किए, अब मनुष्य जो होगा फिर वह दोबारा वो गलती नहीं करेगा। तो ये लिया मार्ग पर बैठी थी और राह देख रही थी कि कब भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, संसार के लोग मुझे ठोकर मार, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की ठोकर लग जाए। पूरी कथा बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, तुम्हारी राह देख रही है, तुम जाओ और अपने दिव्य चरण कमल उस नारी के मस्तक पर रख दो। विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र चले, जैसे ही आगे बढ़े, जैसे ही अपना कदम धीरे 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 करके ऊपर उठाया, अपना चरण जब भगवान ने अपना चरण धीरे 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 करके जैसे ही ऊपर किया, चरण की रज जैसे ही उस पत्थर को स्पर्श हुई, भगवान के चरण की उस पत्थर रज उस पत्थर पे स्पर्श होते ही प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया और उस पत्थर से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। क्या कहते हैं, परसत पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही, परसत पद पावन आप लोग भी गाइए, प्रकट भई सब पुंज सही, प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सुंदर रूप धारण की वे दिव्य अहिल्या प्रकट हो गई। भगवान का चरण रज स्पर्श होते ही अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई, अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई और एक बहुत सुंदर तेज किरण प्रकट हुआ। आज भी कई लोग अपने शरीर का तेज बढ़ाना चाहते, माताएं स्पेशली, और तेज बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठ जाती हैं। तीन तीन घंटे तक ब्यूटी पार्लर में बैठती हैं, तीन तीन घंटे तक ब्यूटी पार्लर में बैठती हैं और बाहर निकलती हैं तो कैसा लगता है, जैसे पूतना। पुतना भी निकली थी ना तो पूरे बाल स्ट्रेट, नेल पेंट, बालों के ऊपर बहुत क्या कहते हैं मल्लिका, बड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, श्लोक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, मालती के फूल लगे हुए थे। लेकिन ये ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, ये तेज एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए रह सकती, ज्यादा ज्यादा 10 दिन के लिए रह सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति की जो सुंदरता होती है ना, एक बार लग जाए तो वह तेज जीवन भर रह जाती है। इसलिए अगर अपना तेज भी बढ़ाना चाहते हैं तो कहां जाना चाहिए, भगवान के साथ। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नाही आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार भए, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार भए। अल्लाह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही है, दोनों हाथ है अहिल्या चाहती हैं, अहिल्या खड़ी तो हो गई है स्तुति करने के लिए, दोनों हाथ तो जोड़ लिया है, लेकिन
कई वर्षों के बाद आज पत्थर से बाहर निकली है और बाहर भी निकली है तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र देखे हैं तो गला अवरुद्ध हो गया, गला भर आ गया। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने भी मांगा ना क्या, गोरंग बोलिते होबे पुलक सरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बहबे नीरा। प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा, कोबे ऐसा दिन आएगा कि गोरांग नाम बोलूंगा और मेरे आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी, मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। हरी हरी बोलूंगा और नयन से नीर की धारा बहने लगी, कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा मुझे हरिनाम के प्रति प्रेम प्राप्त होगा कि मैं भगवान का नाम जप करने के लिए बैठूं और मुझे लगेगा सोयला माला ही, केवल सोयला माला, सोयला हजार क्यों नहीं। कब ऐसा दिन आएगा। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे, धीरज मन कीना प्रभु कहे चिन्ना, धीरज मन कीना प्रभु कहे चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई। अल्लाह की वाणी गदगद हो गई, वाणी गदगद हो गई, भगवान प्रकट क्या बोले, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अति निर्मल पानी अस्तुति ठानी, अति निर्मल पानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई। देवी अहिल्या दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति कर रही है, क्या कह रही है, हे राजीव लोचन, हे कमल लोचन, हे कमल के समान सुंदर और कोमल सुगंधित अंग वाले भगवान, हे श्री राम आज मैं धन्य हो गई प्रभु। स्तुति तो बहुत बड़ी है, भाव भी बहुत बड़ा है, हमारे पास समय थोड़ा है। हे राजीव लोचन आज आपके दर्शन हुए, आज आपका ये दर्शन मिला, आपके चरण की रज मिली, क्योंकि डायरेक्ट रज जो है ना भगवान का, वो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं। ब्रह्मा जी आप जो गंगा में स्नान करते हैं और सोचते हैं पवित्र हो रहे हैं, वह गंगा देवी तो भगवान के चरण के, चरण के धोने के बाद धोया हुआ जल है। ब्रह्मा जी धोए इससे पहले तो बलि महाराज धो लिए थे चरण, तो ब्रह्मा जी कहां धोए, डायरेक्ट नहीं मिला था उन्हें, धोया हुआ पांव मिला। प्रभु आपके चरण धूले मिली, आपका दर्शन मिला, और सच कहूं प्रभु, सच कहूं, ये जो कृपा मुझे प्राप्त हुई ना, इसके पीछे मात्र और मात्र एक कारण कौन है, गौतम ऋषि, इसके अलावा और कोई नहीं प्रभु। उन्होंने, उस ऋषि ने, उस साधु ने जो मुझे श्राप दिया ना, अद्भुत कृपा की, अद्भुत कृपा की प्रभु, अद्भुत कृपा की। अगर वह ऋषि मुझे श्राप नहीं दिए होते तो आज मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई होती। कई बार कई गुरुजन हम पर क्रोध करते हैं, डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कड़ा नियम बोलते हैं, तो बड़ा क्रोध आता है हमें, बड़ा क्रोध आता है, फलाना प्रभु जी हमसे दो दिन पहले भक्ति में आए, आज हमको डांट देंगे। लेकिन ये शास्त्र का अकाट्य सिद्धांत है भक्तों, अकाट्य सिद्धांत, कोई काट नहीं सकता। जब जब कोई वरिष्ठ, कोई गुरुजन किसी के ऊपर किसी को डांटे हैं, तो डांटे नहीं, क्या किए, कृपा किए। नलकुवर मणिग्रीव के ऊपर नारद जी क्या किए, कृपा किए। गजेंद्र
इंद्रद्युम्न राजा के ऊपर यगस्त मुनि क्या किए, कृपा किए, गजेंद्र बना दिए और उद्धार करा दिए। ध्रुव के ऊपर उनकी माता ने क्या किया, कृपा किया। अरे वो डांट नहीं, वो तो कृपा थी कि 6 महीने में भगवान को प्रकट करा दिया। बताइए, तो कह रहे हैं कि प्रभु उस ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया ना, अद्भुत, उसी के वजह से, वह श्राप नहीं वह वरदान है प्रभु। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परमानुग्रह में माना, देखो बरी लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, देखो बरी लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अल्लाह कहती है मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया, सेम ट्यून बजेगा, ठीक है, जो कहते जो जो श्राप दिया वो बहुत अद्भुत किया, बहुत अद्भुत, जो श्राप दिया वो बहुत अद्भुत किया। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया मुझ पर क्रोध किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि यदि उन्होंने श्राप दिया नहीं होता तो लाखों लाख वर्षों तक ध्यान करने पर, हजारों यज्ञ करने पर, होम हवन लाखों करने पर मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई होती प्रभु। आज तो मुझे डायरेक्ट आपके चरण कमल की धूल प्राप्त हुई, वो भी केवल और केवल उस ऋषि के श्राप की वजह से। भगवान ने कहा अहिल्या मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांग लो, जो चाहिए मांग लो। भगवान ने कहा अहिल्या मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग। देवी अहिल्या ने कहा प्रभु 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 मैं तो जन्म से नारी हूं, मैं क्या मांगू, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ मांगना भी नहीं आता। कितना सुंदर बात है, हम होते तो प्रभु जी सासाराम में एक बड़ा जमीन, उसके बाद एक पटना में, और उसके बाद एक बंबई में, ऐसा करिए चारों महानगरों में एक बड़ा बड़ा जमीन दे दीजिए, और बाद में एक फ्लैट दे दीजिए अमेरिका में, और एक हमको जेट विमान दे दीजिए जिससे हम जाते रहे, ये हमारी मांग होती। कई बार हम भगवान से कुछ मांगते भी हैं और भगवान की कृपा से वह मांग पूरी भी हो जाती है, लेकिन क्या हमारी मांग उसके बाद बंद हो जाती है, नहीं, हमारा मांग और बढ़ जाता है। अरे मांगना तो उसे कहते हैं कि एक बार मांग लो फिर दोबारा कभी मांगना ना पड़े, कभी ना मांगना पड़े, हम तो मांगना नहीं चाहते। देवी अहिल्या कह रही है प्रभु मुझे मांगना नहीं आता है, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं, अगर आप देना ही चाहते हैं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है प्रभु, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो, क्या कहते, पद कमल परागा रस अनुरागा, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधु पकरे पाना, जे पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भरी शिव शीस धरी, जे पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भरी शिव शीस धरी। हे प्रभु आपको देना ही है, आपको देना ही है तो वरदान दीजिए, मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण रूपी कमल के पराग रज में आ सकता है। जैसे भौरा कहीं दूर से आता है, कहीं दूर से आता है, कमल के ऊपर आता है और कमल के पराग रज में आसक्त रहता है प्रभु, आसक्त रहता है भौरा। और संध्या का समय हो जाता है, भौरा जानता है कि कमल बंद होने वाला है, अगर मैं अब कमल को नहीं त्यागा तो मैं मर जाऊंगा,
लेकिन भौरा इतना आसक्त होता है कि अपने प्राण को त्याग देता है लेकिन कमल के रज को नहीं त्यागता। ठीक उसी प्रकार से प्रभु आपके चरण रूपी जो पराग रज लगी हुई है ना चरण कमल में, आपके चरणों में जो रज लगी हुई है ना, मेरा मन रूपी भौरा उड़े और आपके चरण रूपी पराग रज में आसक्त रहे। प्रभु आपके चरण छोड़ करके और कहीं नहीं जाए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। इस प्रकार देवी अहिल्या ने बहुत सुंदर स्तुति की। बाद में भगवान ने उन्हें उस लोक में भेज दिया जहां पर उनकी पति कौन, गौतम ऋषि विराजमान थे, वहां पर भेज दिया। नित्य सेवा में भगवान ने रख लिया। तो इस प्रकार रामायणकार अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, यश प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। जो प्रभु भगवान श्री रामचंद्र कारण रहित बिना कारण के ही क्या करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, दयालु करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर अहिल्या ने स्तुति की। अहिल्या की स्तुति के बाद भगवान धीरे 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 कहां पहुंचे हैं, जनकपुर पहुंचे हैं। रामायण कर कहते हैं जनकपुर कैसा, जनकपुर जैसा, इसकी कोई दूसरी और उपमा नहीं है। एक अद्भुत नगर क्या कहते हैं, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुचि संता, तरमसी ज्ञानी गुणवंता, तरमसी ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर का परिचय देते हुए कहते हैं रामायण का, जनकपुर कैसा, जनकपुर जैसा, इस राज्य में इस पृथ्वी पर जनकपुर जैसा और कोई दूसरा राज्य है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर सब कुछ अच्छे रहते, सब लोग अच्छे रहते हो अथवा सब कोई बुरे रहते हो। महाराज दशरथ के अयोध्या में सब लोग अच्छा थे लेकिन नाम मंथरा मंदमती, मंथरा थी जो बुरी थी। रावण के राज्य में सब लोग खराब लेकिन विभीषण राम का धरमशील ज्ञानी गुणवंता, धरमशील। गाइए, हमारे भगवान के ससुराल का वर्णन है। जनकपुर में रहने वाले सभी लोग धर्मशील हैं, हमारे भगवान के सुंदर ससुराल सभी लोग गुणवान सुशील थे। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंचे, जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर में महाराज जनक अपनी बेटी की स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। जनक जी को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, अपने सारे कार्य को छोड़ करके कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए। जैसे ही महाराज जनक को खबर मिला
महाराज जनक अपने सारे कार्य को त्याग करके साधु संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में आ गए। बहुत सुंदर ध्यान दिया, बहुत सुंदर कमरा प्रदान किया, एसी वाला रूम, ठंडी के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में ऐसा वर्णन आया, मैं आपको लगे प्रभु जी एसी उसमें कहां पाते। सुंदर सदन सुखद सब काला, काला मतलब हर समय में जो सुखद था, मतलब गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, है ना। एसी हीटर दोनों लगा हुआ कमरा प्रदान किया और महाराज ने देखा दो बालक। विश्वामित्र जी ने इंट्रोडक्शन कराया, दशरथ के कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रानंदन लक्ष्मण। दशरथ जनक जी चले गए अपने कार में। भगवान ने कहा अब आए हैं ससुराल, थोड़ा सोचे घूम लें, तो कहे महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा कि लक्ष्मण मेरा थोड़ा घूमना चाहता है, घुमा दूं इसको। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ घुमा दीजिए। राम है, तुरंत अनुमति हो गई, कृष्ण होते तो तुरंत नहीं मिलती। मथुरा गए थे, मथुरा में गए तो जब कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे तो धनुष यज्ञ था वहां भी, बोले बाबा बाबा थोड़ा जाके मैं नगर मथुरा नगरी घूम के आ जाऊं। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं जाना है, बैठ जाओ यहीं पे। राम को अनुमति मिल गई, कृष्ण को नहीं। बहुत की बाबा जाने दो ना, जाने दो ना, जाने दो ना, अरे ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त पे। क्या? सीधे सीधे चलोगे तो बाबा रास्ते में दीवार आ गई तो तू नहीं सुधरने वाला, तू इधर ही बैठ, जाना नहीं। बोले दुकान से कोई वस्तु नहीं खरीदोगे तब जाने दूंगा। बाबा चोरी तो कर सकते है ना। तू बोला ना तुझे नहीं जाना, तू इधर ही बैठ। किसी से झगड़ा नहीं करोगे तब जाने दूंगा। बाबा कोई सामने से आके लड़े तो। बड़ी मुश्किल से अनुमति मिली। तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया जाओ जाकर के देख करके आओ। तो इस प्रकार से जंगल घूम, मतलब जनकपुर घूम करके आए। दूसरे दिन सवेरे उठे हैं, आज स्वयंवर की तैयारी है और ये दोनों गुरु पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए कहाँ गए? पुष्प वाटिका। प्रथम बार हमारे भगवान मिलने वाले। तो पुष्प लाने के लिए गए हैं, इधर से गुरु ने आदेश दिया और इधर से देवी सीता को उनकी माता ने कहा कि आप जाओ और आज गिरजा जी की पूजा करके आ सको। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा विवाह है बेटा। रामायण में दो वाटिका का वर्णन, कौन कौन से? कौन से? एक पुष्प और दूसरा, एक में मिलन दूसरे में वियोग, एक धर्म का एक पाप का। अब पाप वाला जो वाटिका था उसको तो हमारे हनुमान ने बिगाड़ दिया। आज के भी बहुत सारे वाटिका हैं और वहां बहुत सारे पापकारी होते हैं ना। तो गए, इधर से गए, पुष्प तोड़ रहे थे। उसी समय एक सखी जो कल जब भगवान जब गए थे जनकपुर घूमने के लिए नगर भ्रमण, तो उन्होंने देखा था राम को और मन में इच्छा आई थी वाह कितना सुंदर पुरुष है, अगर इनका विवाह हमारे देवी सीता के साथ हो जाए तो अद्भुत हो जाता। तो वह सीता की सहेली सीता के पास गई क्योंकि आज उसने देख लिया कि भगवान श्री रामचंद्र पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हैं। गए और कहे कि अरे सीते सीते आज मैं तुम्हें एक अद्भुत पुरुष का दर्शन कराने वाली हूं, बहुत सुंदर पुरुष का दर्शन कराने वाली हूं, चलो। बहुत सुंदर पुरुष, करोड़ों करोड़ों कामदेव को निभाने वाला, जैसे एक गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़े और लेकर के जाए ईश्वर का दर्शन कराए, वैसे वो सखी सीता का हाथ पकड़ करके भगवान का दर्शन कराने के ला रहे। उस बगीचे में लक्ष्मण जी ने देखा इनकी एंट्री हो चुकी है, प्रिया प्रीतम मिलने वाले हैं। लक्ष्मण जी से जितना हो सका भगवान को सजा दिया, फूलों से सजा दिए
किसी झाड़ी के पीछे बिठाया और बिठा करके हाथों में फूल माथे पे फूल लगा दिया। जहां जहां आप लोग भी लगाते हैं ना पर्दे के पीछे, वैसे ही भगवान को लगा दिया। देवी सीता कह रही हैं, सखी वो कहाँ है, कहाँ है वह पुरुष, कहाँ है? लक्ष्मण जी सजा रहे हैं, धीरे 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 करके वह सखी देवी सीता का हाथ पकड़ के ला रही है, ला रही है। और जैसे एक मंदिर, क्षमा चाहूंगा, जैसे एक पुजारी मंदिर का पर्दा हटाता है और भगवान उनके सामने खड़ा होता है, उस सखी ने धीरे धीरे करके उस झाड़ी को हटाया और बिल्कुल राम और सीता एक साथ हो उठे। रामायणकार बोल पड़े, क्या लिखा, लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। वैकुंठ के बिछड़े हुए लक्ष्मी नारायण प्रिया प्रीतम आज मिल गए हैं। मुझे जो सिद्धांत इस दर्शन से आपको बताना है, इस प्रसंग से जो बताना है, सीता मानो भक्त है और सखी गुरु स्वरूपा। गुरु का कार्य इतना है कि वह अपने शिष्य को पकड़े और भगवान से मिला दे और स्वयं साइड हो जाए, हट जाए, गुरु भगवान बन करके नहीं बैठ जाए। लेकिन आज की स्थिति में गुरु भगवान बन के बैठ जाते हैं। बचना चाहिए ऐसे गुरुओं से। तो प्रिया प्रीतम मिले हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वहां मंदिर जाने के लिए देर हुई, देवी सीता को जबरदस्ती सखियों ने खींचकर पकड़कर जबरदस्ती उनको वहां लेकर के गए और भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण लेकिन मेरे रघुकुल के ऊपर मुझे विश्वास है कि मेरा मन आज तक किसी स्त्री के ऊपर नहीं गया, किसी पराई स्त्री के ऊपर नहीं गया लखन, लेकिन आज मेरा मन किसी स्त्री पर जा रहा है। तो लखन ये निश्चित है कि ये सीता कल स्वयंवर में तुम्हारी भाभी बनने वाली है। भगवान ने कन्फर्मेशन दे दिया, यही है देवी सीता। रघु रघु रघुवंश ने कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि मन किसी के ऊपर नहीं जाता है। कल सीता मेरी पत्नी बनेगी। तो राम और लखन वापस अपने स्थान पर पहुंचे, सीता अपनी सखियों के साथ देवी पार्वती के मंदिर में गई और पूजा करने लगी, गाने लगी, विनंती करने लगी। किनसे? देखिए हम भागवत में भी सुनते हैं कि गोपियां कहां गई, कात्यायनी देवी के शरण में। देवी देवताओं का सदैव आदर करें, प्रणाम करें, अपमान ना करें उनका, क्योंकि वह हमसे उच्च भक्त हैं, तब तो ऐसे स्थान को प्राप्त हैं और भगवान के कितने प्रिय हैं, कभी अपमान नहीं करें। हम तो गोपीर भर्तार पद कमलम दास दासा अनु दास लिखते तो हैं, लेकिन हमारी इच्छा क्या होता है, स्वामी 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 स्वामियों के स्वामी, लेकिन हमारा होना क्या चाहिए, दास, सेवा करना। गोपियां हमारे लिए आदर्श हैं। गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा की, उद्देश्य क्या था, देवताओं को प्रणाम करें, उनको आदर करें, लेकिन उनके विषय, उनके पीछे संबंध, उनके पीछे उद्देश्य क्या हो, हमारा संबंध कृष्ण से हो जाए, हमारा संबंध राम से हो जाए, यह उद्देश्य होना चाहिए। देवी सीता देवी पार्वती जी के पास गई और कहते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय
जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजपदन षडानन माता, जय गजपदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज किशोरी, हे गिरजा, हे पार्वती, हे गजानन गणपति महाराज की माता, आज मैं आपके शरण में आई हूँ। आज मैं जिसको अभी देख करके आई हूँ वह राम कल आज स्वयंवर में मेरे पति, वह राम आज मुझे पति के रूप में, हमें भी मांगना चाहिए। हे शिव जी, हे देवी, हे हनुमान जी महाराज, हे गणपति गजानन महाराज, कृष्ण हमारे प्रीतम मिल जाए, कृष्ण से मुझे प्रेम हो जाए। गणेश जी को मनाती है कि गणपति गजानन महाराज ने आज तक आपकी पूजा की, मालूम है क्यों? आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए कि राम मेरे पति बन जाए, बस राम मेरे पति बन जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं गुरु मे देवा, सर्वकारेषु सर्वदा, जय गजपदन सडानन माता, जय गजपदन सडानन माता। देवी सीता पार्वती को मना रही है कि राम मेरे पति बन जाए, यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, तो निश्चित हम देवी देवताओं का आदर करेंगे और उन्हें अपने आराध्य मानते हुए उनसे मांगेंगे कि राम मिल जाए। गोपियां भी कात्यायनी देवी की शरण में गए और क्या मांगा? कृष्ण मेरे पति बन जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी, नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। देवी सीता पार्वती से कहते हैं कि मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए माता, और आश्चर्य की बात, मूर्ति बोलने लगी। हमें तो विश्वास नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ तो हमारे बाजू वाले नहीं बोलते, मूर्ति कैसे बोले? मूर्ति बोले क्या कहा? मनुजाई रच हूँ मिली हूँ सो बर सुंदर सांवर, मनुजाही रच हूँ मिली हूँ सो बर सुंदर सुंदर सांवरो, मन जाही रच हूँ मिली हूँ सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान सिल सने हो जानत रावरो, करुणा निदान सुजान सिल सने हो जानत रावरो, यही भांति गौरी यशीष सुन सियही हरसियली, यही भांति गौरी यशीष सुन सिय सहित ही हरसियली। मूर्ति बोल पड़ी, सीता तुम्हारे मन में जो पुरुष है वही कल तुम्हारा पति होने वाला है, वही तुम्हारा पति। देवी सीता उधर गई, भगवान श्री रामचंद्र इधर आए और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर के गए हैं कहां पे? स्वयंवर में। कहते देव दनुज धैर्य मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रंधीरा, देवता और दानव अपने अपने स्थान पर बैठे हैं,
उस स्वयंवर में पहुंच करके। उस समय महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के प्रवेश किए और रामायण कार ने ऐलान किया, क्या राज समाज विराजत रूरे उड़गन महु जनो जोग विदुपूरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 राज समाज विराजत रूढ़े विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में पहुंचे। सभा में आए, कहते हैं उस सभा में हजारों लोग मौजूद थे, हजारों लोग लाखों लोग बैठे थे। भगवान की जैसे जिनके प्रति भावना थी उन लोगों ने भगवान का दर्शन वैसे ही किया। कैसे? जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी ते सी राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय राम जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी ते सी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय राम। जनक जी के सभा में हजारों लाखों लोग बैठे थे और जिनकी जैसी भावना वैसे भगवान का दर्शन, ये कैसे संभव? ये भगवान की लीला है। महान राजाओं ने स्वयं भगवान को वीर रस के रूप में देखा, कुटिल राजाओं ने भयानक मूर्ति के रूप में देखा, नगर वासियों ने भगवान को नर वर मनुष्यों में श्रेष्ठ रूप में देखा, स्त्रियों ने साक्षात माधुरी रस में देखा, विद्वानों ने भगवान को विराट रूप में देखा, एक ही भगवान। जनक जी के संबंधियों ने, कुटुंबों ने राम को अपने रिलेटिव के रूप में देखा, उनकी रानियों ने राम को बच्चे के रूप में देखा। उस सभा में हरि भक्तों ने भगवान को अपने प्रियतम अपने इष्ट देव के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस सभा में अपने अपने भाव के अनुसार सबने देखा। किसी ने रामायणकार से पूछा, क्या पूछा? बोले सबकी तो भावना बता दिए, देवी सीता ने किस भाव से देखा? रामायणकार की कलम रुक गई। क्या कहते हैं? जिस रूप में जिस भाव में देवी सीता ने देखा वह मैं नहीं जानता, या तो भगवान श्री रामचंद्र जानते हैं अथवा देवी सीता जानती है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम। महर्षि विश्वामित्र को ले जाकर जनक जी ने उच्च आसन पर विराजमान किया, लक्ष्मण जी राम जी को भी उच्च आसन पर विराजमान कराया, बंदीगण महागत कुन बुलाया गया। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि भगवान को इस बार मैं सोच रहा हूँ वनवास करा दूँ पिछले बार नहीं हो पाया था, इस बार वनवास करा दूंगा।
है ना, दुख में क्यों है, वापिस नहीं आएंगे, वापिस के लिए दोबारा बुलाना पड़ेगा। भगवान को वनवास बुला करके छोड़ेंगे, वनवास भेज करके छोड़ देंगे, ठीक है। राम भरत मिलाप अगर हो सके तो प्रयास करेंगे, ठीक है। खाली उत्सव ही मनाना है, विरह में रोना भी तो चाहिए। विरह में जो आनंद है भगवान से, वह उत्सव में। तो सभी ने बुलाया, जो टर्म एंड कंडीशन थे विवाह के वो बता दिए बंदी महागणों ने। सभी राजा महाराजा सभी लोग प्रयास करने के लगे कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, उठाएंगे। सभी को लग रहा था अभी गया और उठाया, यूं गया और यूं उठा लिया। सब लोग अपने मूंछ को तान, अभी अभी जाऊंगा और उठा लूंगा। ताव देने लगे, कहते नृप भूज बल विदुषित वनहारी गरउ कठोर विदित सब काहू। जनक के बंदी गंदों ने कहा, हे राजाओं, धनुष राहु के समान है। कैसा है? राहु के समान है। आप लोग ताराओं के समान हो। सब लोग अपने मूंछ पे ताव देने लगे, लेकिन जनक जी के बंदी गणों के भाव नहीं समझ पाए। के राजन, ताराओं में अपना तेज नहीं होता, तारा चमकता है सूर्य के प्रकाश से, चंद्र के प्रकाश से। महाराज वैसे ही आप लोग बैठे हुए हो, आप में कोई अपना तेज नहीं है। यहाँ पर सूर्यवंशी रघुकुल भूषण भगवान श्री राम बैठे हुए, इसलिए आप लोग चमक रहे हो। जनक जी की मंत्री ने कहा, चलो खड़े हो जाओ। तो उस समय कहे, जिनके रही विचार कुछ मनमाही, चाप समीप महीप न जानी। वो लोग छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो जान गए कि देवी सीता पृथ्वी की पुत्री है और हम लोग क्या है, महिपाल है। क्या है? महिपाल है। हमारा हम पृथ्वी के क्या है, पति है, पालन करने वाले। उस नाते से अगर देखा जाए तो देवी सीता हमारी क्या हुई, पुत्री हुई ना। तो पुत्री से विवाह का संबंध सपने में भी नहीं। तुरंत जो सभ्य राजा थे वो छोड़ के चले गए, लेकिन जो असभ्य थे, कुटिल राजा थे, वह तो बैठे लगे और मन ही मन गणेश जी को मनाने लगे। गणपति गजानन महाराज, बस ये धनुष टूट जाए, घर जाऊंगा, 5 लड्डू फोड़ूंगा आपके, 5 लड्डू दूंगा आपको और 2-4 नारियल भी फोड़ दूंगा पास करा तो। तब तक तो मनोबल टूट जाता और कहता, अरे गजानन महाराज, मेरे से ना टूटे कोई बात नहीं, मेरे बाजू वाले से नहीं टूटना चाहिए, 10 किलो लड्डू। इतनी तो ईर्ष्या भरी हुई थी। तो एक प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, एक राजा ताव जंगे को ठोंक कर, मूंछ को ताव देकर उठा, ऐसा लगा कि अभी जाएगा रोते उठा लेगा। गया, उठाने का प्रयास किया, एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा, दूसरे हाथ से उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा, हार के आ गया। ये राजागण जैसे ही धनुष उठाने का प्रयास करते, ऐसा लगता था जैसे धनुष उसकी शक्ति को हर रहे हैं। जितना जितना धनुष को उठाने का प्रयास करता गया, कहते हैं उतना उतना ये धनुष भारी होता गया, उठा ही नहीं पाए। बहुत प्रयास किया गया लेकिन उठा नहीं पाए। कहते हैं एक में नहीं हुआ, एक राजा फेल हो गए, दो पार्टनरशिप पे बिजनेस शुरू किया कि पहले उठा लेते हैं, बाद में देख लेंगे किसका होगा। दो तीन चार नहीं उठा पाए। तब कहते हैं एक नहीं, 10 नहीं 100 नहीं, 1,710,000 राजा खड़े हो गए। कहते भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई न तारा। भूप सहस दस सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई न तारा।
उस शिव धनुष को उठाने के लिए एक नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, 10,000 राजा प्रकट हुए। लेकिन 10,000 राजा मिलकर के भी उस शिव धनुष को वैसे ही नहीं उठा पाए। कैसे? तो कहते दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। गुरु महाराज ऐसे ही कथा चल रही थी, ऐसे ही कथा चल रही थी और एक भक्ति श्लोक को गाए, और जैसे ही गुरु महाराज ने श्लोक सुना, महाराज के आंखों से झरझर 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 उसे अद्भुत अद्भुत इस पद क्या कहते डगई न शंभु सरासन कैसे, कामे बचन सती मन जैसे। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामे बचन सती मन जैसे। ऐसे इन बातों को कहा नहीं जाता है, लेकिन इतने वरिष्ठ गुरु भाई बैठे हो तो फिर रहा भी नहीं जा सकता बिना कहे। अद्भुत श्लोक, जैसे एक कामी व्यक्ति का वचन असर, वचन का असर किसी सती नारी पर नहीं होता, वैसे इन राजा महाराजाओं के बल का असर उस धनु पर नहीं हुआ। तब जनक जी से रहा नहीं गया और आक्रोश में कह दिया, बस रोको, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ऐसी प्रतियोगिता रख करके अपनी बदनामी कतई नहीं कराता। गेट लॉस्ट, तुम लोग भाग जाओ। मैं समझ गया वीर विहीन मही में जाना, ये वीर मही क्या हो गई, पृथ्वी क्या हो गई, वीरों से खाली हो गई है। तजहु आस निज निज गृह जाओ, गेट आउट, बोल दिया, गेट लॉस्ट, भागो यहां से। जब जनक जी ने कहा चले जाओ, आपका कोई काम नहीं, तब तो चले जाना चाहिए था राजाओं को, लेकिन राजा देखिए कितनी कुटिल थे, बोले अरे अगर हम नहीं उठा पाए तो क्या ये दोनों दूध पीते बच्चे उठाएंगे। उस समय जनक जी क्या बोलेंगे अपनी बेटी को, जाओ किसी के गले में डाल दो, शायद हमारा नम राजा, इतना सुंदर तो दिखता हूं मैं, इतने कुटिल राजा बैठे थे। लेकिन जैसे ही महाराज जनक ने आक्रोश में कह दिया वीर विहीन में मही में जाना, अब जिस समाज में भगवान श्री रामचंद्र बैठा हो और अनुज लक्ष्मण बैठा हो, उस सभा में कोई ऐसा कह दे वीर विहीन मही में जाना, लक्ष्मण अनंत शेष के अवतार जैसे सर्प के पूछ के ऊपर पांव आ जाए और लक्ष्मण जी खड़े हो गए ताव में, बोले महाराज बस, एक शब्द और मत कहना। जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी बैठा हो, उस सभा में कोई ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं करता। और आज यहां पर रघुकुल भूषण रघुकुल शिरोमणि राम बैठे और आप इस प्रकार कह दिए, अरे वीरता ये देखनी है तो आपका ये शिव धनुष क्या, यदि मुझे मेरे भाई आज्ञा दे तो मैं इस क्या कहते इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठाऊं और ऐसे पटको इसके कि टुकड़े टुकड़े हो जाए। मेरी भाई मुझे आज्ञा दे तो सुमेरु पर्वत को मुल्ली की तरह उखाड़ लूं, यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो ये धनुष को उठाने की बात तो छोड़ो, धनुष को उठा करके 100 योजन दौड़ कर चला जाऊं, और अगर ऐसा ना कर पाऊं तो कटोरा लेकर के हाथ में भीख मांगू। लक्ष्मण जी इस प्रकार से जब बोलने लगे तो वातावरण ब्रह्मांड में इसका असर होने लगा और ब्रह्मांड हिलने लगा। कहते लखन बचन सकोप जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। लखन बचन सकोप जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण जी के वचन का असर वातावरण के ऊपर हो गया, सभी लोग कांपने लगे, सब लोग सोचे अरे भूकंप आ गया क्या, बड़ा भूकंप आ गया क्या, सब राजा महाराजा हिलने लगे, सब कुछ कांप रहा था, केवल दो चीज वैसी की वैसी थी, क्या क्या, एक शिव जी का धनुष और दूसरा भगवान श्री राम, सब लोग हिल रहे थे डोल रहे थे।
लक्ष्मण जी लाल पीले हो गए, भगवान श्री रामचंद्र के पास गए, भैया मैं इतना लाल पीला हो गया हूँ, इतना क्रोधित हो गया हूँ, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है? भगवान ने कहा, रे लक्ष्मण बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, गुरु जी की आज्ञा नहीं है। कितने सौम्य हमारे भगवान, कितने सौम्य स्वभाव के, सर्वसमर्थ हैं प्रभु, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं है तो बैठे हुए हैं। गुरु की आज्ञा, श्री रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ, जब आकाश में सूर्य उदय होता है तो लालिमा आती है लखन, सूर्य उदय होने वाला है, अतः यह लालिमा आ रही है तुझमें। विश्वामित्र जी समझ गए, अब वो क्षण आ गया है जब भगवान और भक्त एक हो जाए, प्रिया प्रीतम मिल जाए, उसी समय उचित नक्षत्र समय देख करके जान करके जनक जी की चिंता को दूर करने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को बोला, अपने वरद हस्त्र को ऊपर उठाए और कहा, राम हे राम उठिए और जनक जी के परिताप को तोड़िए। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम हे उठिए जाइए और जनक जी के परिताप को दूर करिए। अनेक वर्षों से जनक जी की तपस्या है उसको पूर्ण करिए, महाराज के परिताप को तोड़िए। गुरु जी के आदेश को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र अपना धनुष बाण रखकर अपने स्थान पर खड़े हुए, गुरु जी से आज्ञा लिए, श्री रामचंद्र धनुष बाण की ओर बढ़ रहे हैं और कैसे लग रहे हैं तो रामायणकार बहुत अद्भुत वर्णन करते हैं। क्या उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। भिक्ष से संत सरोज सब हर से लोचन भिंग, भिक्ष से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान पर खड़े हुए तो कैसे लग रहे हैं, जैसे एक छोटा सा सूर्य आकाश में आ रहा हो, पर्वत के पीछे से मधुरता के साथ निकल रहा हो, और जैसे जब सूर्य उदित होता है तो जल में रहने वाला कमल क्या होता है, खिल जाता है, वैसे ही कहते हैं उस सभा में बैठे हुए साधु संतों का हृदय क्या हुआ, खिल गया, जैसे आप लोगों का मुख कमल खिल गया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। भगवान श्री रामचंद्र खड़े हुए जैसे वनराज केसरी सिंह पर्वत की कंदरा में शिकार करने जा रहे हो, वैसे ही भगवान बड़े वीर मुद्रा में धीरे धीरे गिर के धनुष की ओर आगे बढ़े। जैसे ही श्री रामचंद्र आगे बढ़े हैं, सुनैना के मन में चिंता हुई, बोले इस जगत में कम उपहास हो गया हमारा, जो ये अब विश्वामित्र जी भी हमारा उपहास कर रहे हैं, जब ये कठोर धनुष को इस बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए तो क्या उठाएंगे, ये लोग क्या उठाएंगे, ये क्या उठाएंगे बच्चे।
सखियों ने कहा, हे रानी जू तेजवंत लव गण्य न रानी, हे रानी जो तेजवान होते हैं ना उसको छोटा देना चाहिए। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। मणि मन भोलेनाथ से कह रहे हैं, भोलेनाथ क्षमा करना, आपके इस पिनाक पानी को तोड़ने जा रहा हूं। एक परिक्रमा करते ही सीता जी के हृदय में चिंता बढ़ी। सीता के मन में अब धीरज धारण नहीं हो रहा है जैसे आपके मन में नहीं हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा नीचे उतर रहा हूं, थोड़ा इसको समझाने के लिए, समझिए क्या कहूं। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो, है ना, अंतिम बॉल हो, तीन बॉल बचे हो और छह रन चाहिए, कितना रन चाहिए, छह रन चाहिए, और स्ट्राइक पर धोनी हो तो सबका नजर कहां होता है, टीवी के ऊपर। पहले ही कहा था थोड़ा नीचा उदाहरण है, लेकिन आपको समझाने के लिए, वैसे ही सबका नजर भगवान श्री रामचंद्र और उस धनुष के ऊपर, लाखों सभासद के धनुष पर नजर, धनुष पर क्या होगा क्या होगा, सबको सबको कष्ट है, लेकिन सबसे अधिक कष्ट किसको है, सीता को है। सीता जी अपने इष्ट को, पितरों को, अपने परंपरा को याद कर रही। क्या गाइए गणपति गजबंदन, गाइए गणपति गजबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, 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 गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। हे गणपति जी, हे शिव जी, हे पार्वती जी, हे कात्यायनी देवी, समस्त देवी देवताओं को याद कर रहे हैं। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, हे गणेश जी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार करहु चाप गुरु ताति थोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी, हे गणेश जी मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप इस धनुष के वजन को कम कर दीजिए, जिससे हमारे प्रभु राम उस धनुष को उठा नहीं पाए। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, जैसे एक छोटा बालक तोतली बोली में अपने माता पिता से प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवी सीता जगत जननी माता गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी स्थिता समस्त देवी देवताओं को मनाने लगी, हे भगवान मुझ पर कृपा करिए। भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे। भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी आंखें उठाकर सीता जी के सामने देखा। सीता सच्चाई भी अत्यंत विचलित होकर धीरज को बैठी है। अब सीता को परेशान और नहीं करना चाहते भगवान, परंतु भगवान श्री रामचंद्र धनुष की प्रथम परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा कर लिए, और जैसे एक गरुड़ आकाश से ही, आकाश में खड़े खड़े पृथ्वी पर सर्प को देख लेता है, भगवान श्री रामचंद्र ने उसी प्रकार से खड़े खड़े उस धनुष को देखा और भगवान श्री रामचंद्र ने निर्णय ले लिया कि इस धनुष को तोड़ दूंगा। उस सभा में वातावरण शांत हो गया, लाखों लोगों की दृष्टि उस सभा के ऊपर। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता। सबसे अधिक कष्ट सीता को, सबसे अधिक कष्ट
और सबसे अधिक एक्साइटेड कौन? लक्ष्मण जी। दोनों पांव इस प्रकार से करके बैठ गए, ऐसे करके बैठे हुए। अब विश्वामित्र जी पूछते हैं कि लक्ष्मण धनुष उठा रहा है राम, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है, तू इतना उतावला क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आपको पता नहीं है ये धनुष बहुत कठोर है और हमारे प्रभु जब धनुष को उठाएंगे तो बहुत बड़ा कड़ाका होगा, बहुत बड़ा बड़ा कड़ाका होगा महाराज, और ये ब्रह्मांड ये धरती डोलने लगेगी, और महाराज यदि पृथ्वी अपने स्थान से हिल गई ना, छटक गई ना, तो देवी सीता पृथ्वी की पुत्री है महाराज, यदि विवाह के दिन सास को कुछ हो गया तो विवाह अधूरी रह जाएगी महाराज, इसीलिए महाराज मैं अपने पांव से इस पृथ्वी को दबा कर बैठा हूं कि छटक नहीं जाए। लक्ष्मण जी ने आदेश दे दिया, हे दिक्पालो अपने अपने पृथ्वी के छोरों को पकड़ के रखो, आज पृथ्वी अपने स्थान से हिल नहीं जाए। समस्त लोकपाल दिक्पाल कस करके छोर को पकड़ के रखे। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, लक्ष्मण जी जोर से पृथ्वी को दबा करके बैठे, आदेश दिए दिक्पालो अपने अपने पृथ्वी के कॉर्नर को पकड़ के रखो, छोड़ना मत। भगवान श्री रामचंद्र की दृष्टि सीता के सामने, सीता बड़ी व्याकुल देख करके, अब भगवान ने सोचा कि अब सीता को और कष्ट नहीं देना चाहिए। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र धनुष के पास गए, अपना वरद हस्त ऊपर उठाया, बाया हाथ आगे किया। रामायणकार कहते हैं जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, वो धनुष एक छोर से अपने आप ही उठ गया, तुरंत सभा में परम प्रकाश छा गया, सभी की आंखें बंद हो गई। भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रकाश पुंज हुआ और धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए, घमासान अजा हुई और उस कड़ाके की आवाज से ये पृथ्वी कांपने लगी। रामायणकार ने ऐलान किया, तेहि चन राम माद धनु तोरा, परे भुवन दुनि गोर कठोरा, तेहि चन राम माद धनु तोरा, परे भुवन दुनि गोर कठोरा, तेहि चन राम माद धनु तोरा, परे भुवन दुनि जोर कठोरा। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से उस धनुष को तोड़ दिया। उस भयंकर टूटने की आवाज से सूर्य पश्चिम में जा रहा था, पूरब की ओर चला गया। नदियों ने अपनी दिशा बदल दी, धरती डोलने लगी, दिग्पाल चक्कर काटने लगे, कच्छप सब तिलमिला उठे, समुद्र का पानी आकाश को छूने लगा, पर्वतों के शिखर टूटने लगे, कंदराओं में पर्वतर उछलने लगे, विंध्याचल और हिमाचल में तपस्या कर रहे महात्माओं का ध्यान भंग हो गया, देवताओं ने कानों पर हाथ रख लिया, अप्सराओं के नृत्य टूट बंद हो गए। भयंकर शिव धनुष टूटते ही अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा, सीता जी का वियोग टूटा, जनक जी की और सुनैना जी की शंका टूटी, नगरवासियों की चिंता टूटी और मंदोदरी की चूड़ी टूटी। सीता ने भगवान के गले में बहुत सुंदर वरमाला डाला और देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और सब लोग सीता रामचंद्र की जय जयकार करने लगे। बोलिए भगवान सिया रामचंद्र की जय। सीता राम तुम्हारी जय, जय हो सीता राम तुम्हारी जय, जय हो। ऐसे ही शादी ब्याह में गाते हैं, थोड़ा उछल के खड़े हो करके उछलते हुए। तुम्हारी जय जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर दो मिनट खड़े हो जाइए। सीता राम तुम्हारी जय जय हो, 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 अवधेश तुम्हारी जय जय हो,
लोहारे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम हरि बोल पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मुझे पता है आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, लेकिन ठीक है, कंट्रोल बैठ जाइए। अरे कृष्णा, तो इस प्रकार से भगवान का दिव्य संबर हुआ, बहुत सारी लीलाएं हुई, परशुराम जी आए, 4, 5, 3 और परशुराम जी, बहुत सुंदर लीला हुई, भगवान से मुलाकात हुई। वैसे वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का वर्णन नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद भागवत में लिखते हैं कि स्वयंवर के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और परशुराम जी का मिलन हुआ, उसके बाद बहुत सुंदर विदा हुआ, और विवाह होने के बाद
देवी सीता को लेकर के भगवान वापिस कहाँ आए? अयोध्या गए। बहुत सुंदर वहां पे उपदेश दिया गया कि हे देवी सीता, आप जाओ और सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लाखी आयुष अनुसरे हो। बहुत सुंदर शिक्षा दिया, हे देवी सीता आप जाओ और सास ससुर गुरु अपने पति की सेवा करना। बहुत सुंदर देवी देवी सुनैना ने शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद वापिस आए और ऐसा वर्णन है कि महात्माओं के मुख से सुना है कि जब राम और सीता विवाह करके आए तो भगवान श्री रामचंद्र सबसे पहले देवी कौशल्या के पास नहीं गए। कहाँ गए? कैकेयी के पास गए। कैकेयी प्रथम बार नाम आया। राम कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी भी राम से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम था। देवी सीता को लेकर के भगवान श्री रामचंद्र कनक भवन में गए, जो भवन किनका था? कैकेयी का था। देवी सीता ने प्रणाम किया और कैकेयी ने देखा कि सीता शालीन मर्यादा में है, शालीन मर्यादा में है, पूर्ण वस्त्र पहने। सीता की मर्यादा पूर्ण वस्त्र आभूषण देख करके देवी की कई बहुत प्रसन्न हुई। और आज तो मुंह दिखाई की रस्म में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 देते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक सोने की अंगूठी रिंग और क्या मिल सकता है। लेकिन देवी के कई इतनी प्रसन्न हुई कि पूरा का पूरा कनक भवन सीता को दे दिया। देवी सीता तुम यहां रहोगी और मैं बाहर रहूंगी, आज से इतना प्रेम था, शालीन मर्यादा। अब बात आई है तो मैं थोड़ा यहां पर एक बात कह दूं। आजकल माताओं के मन में प्रश्न होता है कि हमें ये क्यों कहा जाता है कि पूर्ण वस्त्र पहनो। अरे कितना मॉडर्न जमाना चल चुका है, कम वस्त्र पहनने से क्या होगा, कुछ भी पहन लेंगे। कुछ लोग पूछते हैं ऐसे प्रश्न, है ना, कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कि कुछ भी पहनेंगे तो क्या दिक्कत है, आखिर क्या दिक्कत है आपको, हम कुछ पहने हमारी मर्जी, आंखों से क्या होता है। ध्यान रखना चाहिए, आंखों से बहुत कुछ होता है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, आप लोग तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शालीन तरीके से बैठे हो, लेकिन गर्मी के सीजन में देखते हैं आप, आंख आ जाती है। देखा है कभी आंख आ जाना, समझते? अब जिसको आंख आ गई है, अगर कोई व्यक्ति उसको देखता है ना, तो उसको भी आंख आ जाती है। वही स्थिति है कि संसार के लोग काम वासना से प्रभावित होकर के हमारी बहन हमारी बेटियों को देखेंगे, भले कितनों भी संस्कारी हैं, खराब कपड़े पहने हैं, व्यक्ति का मन बिगड़ा, आपको देखा तो आप बताओ क्या वह काम वासना, वही गलत भावना हमारी बच्चियों के मन में नहीं आ जाएगी। इसलिए चाहिए कि हम बहुत शालीन मर्यादा में रहें। यहां पर तो खैर बहुत अद्भुत है, यहां के लिए शिक्षा है ही नहीं, मेरी गलती है, बहुत अद्भुत हैं आप लोग। तो मर्यादा होनी चाहिए जीवन में, मर्यादा नहीं है तो फिर जीवन किसी काम का नहीं। कितना ही सुंदर गाड़ी हो अगर ब्रेक ना हो तो क्या फायदा बताओ, कोई फायदा नहीं है उसका। उसी प्रकार से जीवन में कितनों भी सुंदर शरीर हो लेकिन मर्यादित वस्त्र नहीं हो तो फिर उस शरीर का कोई फायदा नहीं। बहुत सुंदर रामायणकार वर्णन कर रहे हैं, जब ते राम ब्याह ही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह ही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।
जब से भगवान श्री रामचंद्र विवाह करके घर पे आए हैं, तब से लोग रोज रोज नित्य नवीन उत्सव हो रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं, नंग मंगल मंगल हो रहे हैं। महाराज दशरथ की नगरी आज फूले नहीं समझ रही है, सारी नगर बस्तियां खानों हीरों के खानों से भर गई है। समुद्र रत्नों के भंडार को साइड में किनारे पर ला करके छोड़ देते थे, बस उसे उठा करके पहनने की आवश्यकता होती थी। उस राज्य के किसान इंद्र को आदेश देते थे कि मेरे गेहूं के खेत में इस समय इतनी ही वर्षा होनी चाहिए, और इंद्र उतना ही करता था। दैहिक दैविक भौतिकता का तापा राम राज कहे हूं नहीं ब्यापा। किसी प्रकार का रोग नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, सब लोग प्रसन्न थे। लेकिन उसी समय कहते हैं, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा राम। समय महाराज दशरथ एक दिन की घटना का वर्णन करते हुए रामायणकार कहते हैं, एक दिन महाराज दशरथ अपने लाखों लाख सभा को भर करके बैठे थे, अपने उच्च आसन पर बैठे थे, सिंहासन पर विराजमान थे। कहते हैं, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे थे, उच्च आसन पर विराजमान थे, उसी समय महाराज का मुकुट थोड़ा हिल गया। अपने अनुचरों को इशारा किया, बहुत बड़ा मिरर मंगाया गया, आईने में मुकुट ठीक करने लगे। उसी समय उन्होंने कांच में देखा कि अपने कान के ऊपर के दो बाल सफेद हो गए। आज तो लोगों के खान पान बिगड़े हैं, नहीं तो जब बुढ़ापा आता था ना, एक स्वस्थ समाज की मैं बात करूं तो वहां पर लोगों के सर्वप्रथम कान के ऊपर के बाल पकते थे, उसके बाद सारे बाल पकते थे। आज तो कुछ भी खा पी लेते हैं, कभी भी पक जाता है, बचपन में ही पक जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि उनके कान के बाल पक गए। महाराज दशरथ कहते हैं, बड़ा दुख हुआ। कहते, हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। महाराज दशरथ का हृदय बहुत दुख जो जीवन है, हृदय मतलब बिना भजन के ही बीत गए। भय न विषय विराग और भवत बसतवा चौथपन, चौथा बना गया और बेराकी नहीं हुआ अभी तक मुझे। इतना समय बीत गया, संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ अभी तक मुझे, वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ। महाराज दशरथ के मन में बड़ा कष्ट हुआ, और जिस समय मुझे ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए वन में होना चाहिए, उस समय अभी भी मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं। इस सत्य का निरूपण महाराज अपने मन ही मन कर रहे। राजन बहुत जी लिया, भोग भोग लिया, अब भगवान के लिए कुछ करो, परमार्थ हेतु कुछ करो। महाराज दशरथ इस प्रकार से सोच रहे हैं।
मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। गोविंद दास जी भी लिखते हैं, कमल दल जीवन टलमल, जैसे हमारा जीवन कैसे है कमल के पत्ते पे पड़ा हुआ एक पानी का बूंद, कभी भी गिर सकता है। मौत आने से पहले ईश्वर की प्राप्ति की प्रयास कर लो। महाराज दशरथ को उसी समय वैराग्य हो गया, उसी समय बाजू में वशिष्ठ जी बैठे थे, कहा गुरुदेव अब ये मुझे राज कारोबार नहीं संभालना है, आप एक काम करो रघुकुल के रीत के अनुसार से मैं मेरा राज राम को देता हूं, सौंप के मैं वन में जाना चाहता हूं। हे वशिष्ठ जी महाराज कोई योग्य समय नक्षत्र मुझे बताइए, कोई योग्य मुहूर्त बताइए, तिथि बताइए, मैं वशिष्ठ मैं अभी राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा राम को राजा बनाना है और तुम्हें मुहूर्त देखना है। अरे राम को राजा जिस समय बनाओगे वही समय शुभ हो जाएगा, वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। बेग बिलंगना करियो नृप सजीव सबौ समाजु, सुदन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराजु। राम जब राजा बनेंगे वही दिन वही समय शुभ हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहना चाह रहे थे आज और अभी राज को राम को राजा बना दो, देर मत करो। हमारे जीवन में जब भी शुभ कार्य करने की इच्छा हो ना तुरंत कर लो, माला स्टार्ट करने की इच्छा हो क्विक फास्ट तुरंत शुरू कर दो, उसी समय राम श्याम प्रभु को फोन करो ले लो माला तुरंत, एक सेकंड का भी विलंब नहीं। महाराज दशरथ ने कहा महाराज थोड़ा सा उत्सव तो बनता है ना, बेटे का राजा तिलक है। राजा दशरथ में विचार तो बहुत आया, बहुत सुंदर आया, लेकिन एक गलती हो गई, आज नहीं कल एक रात के बाद, और यही एक रात ने भक्तों पूरा खेल ही बदल दिया, पूरा खेल बदल दिया। यही एक रात ने भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास वन वन भटकाया। इसी एक रात ने तीनों रानियों की मांग को उजाड़ दिया। यही एक रात ने राजा दशरथ के प्राण को हर लिया। जैसे ही बोला महाराज आप जाओ राम को खबर कर दो, वशिष्ठ जी राम को खबर किए। राम जी को बड़ा अफसोस हुआ, बोले ये गलत नीति है, या तो चारों को राजा बनाओ, और लेकिन अगर अकेले ही बनाना है तो किसको बनाओ, भरत को बनाओ, वही राजा बनने योग्य है। लेकिन क्या करो महाराज, राम कहते हैं बिमल वंश यहु अनुचित ये कु, यह एक अनुचित है इस बिमल वंश में, क्या बंधु बिहाई बड़े हु अभिषेक, सभी भाइयों को छोड़कर बड़े का अभिषेक अच्छा नहीं है। इस प्रकार राम के मन में था, और प्रजा के मन में क्या था, बस कब राम राजा बनेंगे। परंतु उसी समय देवताओं के मन में क्या था, रामायणकार लिखते हैं सबके मन में अच्छे भाव थे, लेकिन रामायण का देवताओं का मन गंदा हो गया। बोले अगर राम राजा बन गए तो लाखों समय लगेंगे, ना जाने कितना दिन लगेगा रावण को मारने में, रावण का वध कैसे होगा, कैसे मुक्त होंगे। स्वर्ग में देवी देवता लोग मीटिंग किए, खलबली मच गई, समस्त देवी देवता सरस्वती देवी के शरण में गए, सरस्वती देवी को प्रणाम किए, बार बार गरही चरण सकोची जली बिचारी विभूति मति पोची, बार बार सरस्वती देवी को प्रणाम किया, कहा माते अब आप ही हमारी लाज रखो, एक काम करना होगा, क्या तो कल राम का राजा बनने वाले हैं, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ जिससे राम राजा ना बने। देवी सरस्वती ने कहा ऐसा दुस्साहस और मैं कतई नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगी। देवताओं ने सरस्वती देवी के चरण पकड़ लिए, माते कुछ करना पड़ेगा। तब देवी सरस्वती ने मन ही मन कहा ऊंच निवास नीच करतूती, रहते तो ऊपर है करतूत नीच वाला। तब देवी सरस्वती ने आगे इस कार्य को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान राक्षसों का वध करेंगे, संतों को आनंद देंगे,
देवताओं के निवेदन सुनकर सरस्वती देवी अयोध्या में आई और अयोध्या में आकर देवी सरस्वती ढूंढते रह गई, खोजते रहेगी किसकी जीवा पर बैठूं, किसकी बुद्धि भ्रमित करूं, पूरे अयोध्या को छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला। तब देवी सरस्वती को पता चला जिस व्यक्ति ने सरयू का पानी पिया है ना उसकी बुद्धि इतनी कमजोर नहीं है, नहीं घुमा सकते। सरस्वती वापस चली गई, ये काम मुझसे नहीं हो। पुनः देवताओं ने निवेदन किया, माँ दे कुछ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं मिला, लेकिन पुनः आपका निवेदन है तो पुनः जाती हूँ। पुनः आई और गोस्वामी जी लिखते हैं दुख के साथ, कहते हैं वह पत्र, वह पात्र कौन था? नाम मंथरा मंदमती चैरई कई कई कोरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामति फेरी। नाम मंत्रा, मंत्र नाम की एक दासी थी जो कई कई की दासी। जब कैकई का विवाह हुआ था तो उनके पिता ने कैकई को साथ में भेजा था। कहाँ का रहने वाली थी और कहाँ गई पूरे रामायण में कहीं वर्णन नहीं है, पूरे रामायण में कहीं। इसलिए रामायणकार बड़े सिद्धांत दिए कि सखी बनाओ तो सोच समझ के बनाना, मित्र बनाओ तो सोच विचार के बनाना, उनका बैकग्राउंड जान लेना। मंथना का कोई बैकग्राउंड नहीं, वो पूरे रघुकुल में तहलका मचा दी, करोड़ों लोगों को दुखी कर दी। मंथरा के विषय में आचार्यगण कहते हैं कि मंथरा रावण से भी दुष्ट थी, क्योंकि रावण तो दिखने में आता था कि यसूर है, ये तो दिखने में तो बड़ा सभ्य लगती थी, और मंथरा मरी भी नहीं है, आज भी जीवित है, ध्यान रखिए, तो यहीं कहीं बैठी होगी। कलयुग में मंथरा का बहुत चल रहा है आजकल, जरूरी नहीं स्त्री के स्वभाव में वो माता जी लोग ढूंढ रहे, इधर भी हो सकते हैं पुरुष के रूप में भी। कलयुग में मंथरा कोई स्त्री नहीं, एक वृत्ति है, स्वभाव है ना। कई वर्षों का प्रेम कान में कुछ भर दिया, 5 मिनट में टूट गया। अयोध्या में सरस्वती देवी ने खोजा, मिल गई, मंथरा मिली, मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। राम राज्य की तैयारी हो रही थी, मंथरा चिल्लाते हुए कैकई के पास जाते हैं रोते हुए कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, क्या अनर्थ हो गया। कैकई खड़ी हुई, बोले मंथरा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? बोले क्यों चिल्ला रही हूं? बोले अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ ये बताओ। बोले अच्छा बताओ तो सही क्या हुआ बताओ। मंथरा कहा यहाँ तुम घर में बैठी हो और वहां राम के राज्याभिषेक का तैयारी हो रहा है। इतना सुनते ही तो कैकई नाचने लगी मोरनी की तरह, अरे मेरा राम राजा बनने वाला, नाचने लगी, पागल सी हो गई। मंथरा क्या राम राजा बनेगा? मंथरा इससे अच्छी खबर मेरे लिए क्या हो सकती है? मंथरा क्या चाहिए? जितने भी गले में हीरे मोती पहने थे सब दे दिए, ले लो। बड़ी प्रसन्नता, देखिए कितना भाव है, कितना प्रेम है। लेकिन अब मंथरा देखिए, मंथरा वृत्ति का असर देखिए। मंथरा कहती है इसी बात के लिए तो मैं चिंतित हूं रानी। रानी तू बहुत भोली है, क्योंकि कहते हैं मैं भोली हूं। हाँ तू बहुत भोली है, तू जानती नहीं राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा नहीं, राम को राजा बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, जानती नहीं हो तुम? संयंत्र क्या बोल रही हो? हाँ मैंने अपने कानों से सुना है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या कहती है? मैं शिव जी की शपथ खा के कहती हूं, बिल्कुल झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है। मैंने सुना है, ये होती है मंत्रावृत्ति, कसम खा लेंगे, बचिएगा ऐसे मंत्राओं से, बचिएगा आप लोग संभल के। मंथरा ने कहा प्लान चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, धीरे धीरे कैकई अब मंथरा के क्लच में आते गई, रेंज में आते गई। कैकई ने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए मंथरा बताओ, मेरे पास तो एक ही रात बची है, अब तू ही मेरी गुरु है, बता क्या करूंगी। ऐसे लोगों के चक्कर में बड़ा जल्दी आते और उसको हम गुरु मान लेते हैं। मंथरा ने कहा ज्यादा कुछ मत करो, तुम्हें क्या करना है बताता हूँ। याद करो वो दो वरदान जो तुमने थापी के रूप में किसके पास रखे हैं?
राजा दशरथ के पास रखे, बुलाओ राजा को और मांग लो वरदान। कैके ने कहा, लेकिन क्या मांगू? मंत्रा ने बिल्कुल सिखा पिघड़ा दिया, बना के रखा कि पहले जब राजा आए तो शपथ दे देना राम का, जब तक शपथ नहीं खाएंगे तब तक मत मांगना, और फिर दो वरदान मांग लेना। क्या दो वरदान मांगना? तो कहते हैं पहला वरदान मांगना भरत को राज और दूसरा राम को वनवास। कई कई बिल्कुल एकदम बनकर रेडी हो गए, कई कई फटी हुई साड़ी पुराने वस्त्र कोप भवन में जाकर बैठ गए। कोप भवन सुनी सकचे उराऊ, भय बस अगोही पर ही न पाऊ। वहां पर महाराज दशरथ बड़े उत्साह से सज रहे थे, राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहे थे, कल राम राजा बनेंगे। किसी ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, महाराज आपकी पत्नी कैकेयी कोप भवन में जाके बैठी है, यही है संसार वक्त, घर में अतिथि आ चुके हैं, उत्सव मच रहा है और रानी जू रूठ करके बैठी है। महाराज दशरथ चिंता में पड़ गए, बोले क्या हुआ, क्या हुआ है? और रूठने के लिए यही दिन मिला था, कोप भवन में जाने के लिए यही दिन। राजा दशरथ सब कुछ छोड़ करके सीधे कोप भवन में गए। कैकेयी की स्थिति को देखकर महाराज दशरथ कहते हैं, क्या के ही है तो रानी रिसानी पर सत भानी पत ही निवार गए। रिसानी पर सत पानी पत ही निवार गई है, तो रानी रिसानी पर सत पानी पत ही निवार। मान चारक के ही है तो रानी रिसानी पर सत पानी पत ही निवार के ही है, तो रानी रिसानी पर सत पानी पत ही निवार। मानहु सरो सब वंग बा मिनि विषम भांति निहारई, मानहु सरो सब वंग बा मिनि विषम भांति निहारई। महाराज दशरथ देवी से कहती, क्या हुआ तुम्हें कैकेयी, क्या हुआ? कैकेयी ने कहा कि ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, ये मैं क्या सुन रही हूं कि आप राम के राज राम को राजा बना रहे? बोले हाँ कैकेयी, और ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना कि राम राजा बने, हाँ ये तो तुम्हारी इच्छा थी। क्या तुम मुझे बार बार नहीं कहती थी कि राम राजा बनना चाहिए, राम राजा बनना चाहिए, राम राजा बनना चाहिए, इसलिए बना रहा हूं? तुम इतने नाराज क्यों हो प्रिय, क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगो मैं दे दूंगा, बताओ। कैकेयी ने कहा, मांगो 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 मांगो, हमेशा कहते हो आज तक कभी कुछ दिया है? ये तो कॉमन डायलॉग है, ये डायलॉग लगता है कैकेयी से ही सीखी है माता जी लोग। कभी कुछ दिया? राजन ने कहा, क्या चाहिए? प्राण चाहिए, प्राण दे दूं? कैकेयी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो दो वरदान मैंने थापी के रूप में आपके पास रखा था मुझे वो चाहिए। दशरथ ने कहा, दो नहीं प्रिय, 20 मांग लो, लेकिन रूठ करके मत बैठो। कैकेयी ने कहा, 20 नहीं, 2 दे देना, यही बहुत बड़ी बात है। बोले ठीक है। महाराज दशरथ ने कहा, राम की सौगंध खा करके कहता हूं, जो मांगोगे दे दूंगा। मंत्रा ने सिखा करके रखा था, जैसे ये डायलॉग बोले तुरंत अपना जो है सो मार देना, धड़ाम करके मारना, एक बम पटक देना, राम की शपथ। महाराज दशरथ ने खाई, महाराज दशरथ ने कहा कि कई मांगो मांगो, क्या चाहिए कि कई मांगो। कैकेयी ने कहा, सुनो खान, सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देह हूँ एक बर बरत हिटी का। सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देह एक बर बरत हिटी का।
नहु प्राण प्रिय भावत जी का देह हुए कबर भरत हिटी का सोनहु प्राण प्रिय भावत जी का सुनेह हुए कबर भरत हिटी का। हे प्राणनाथ हे प्राण प्रिय, मेरा पहला वरदान आपसे मांगती हूँ कि कल राम राजा नहीं मेरा पुत्र भरत राजा बने। महाराज दशरथ ने कहा भरत को राजा बनाना चाहती हो? अरे इससे बड़ी अच्छी बात मेरे लिए और राम के लिए क्या हो सकती है, राम तो और अधिक प्रसन्न होगा। देवी भरत को राजा बनाओ, जाओ बना दिया। भरत के राजा बनने से राम बहुत प्रसन्न होंगे। और तुम क्या सोचती हो देवी कि भरत राज्य ले लेगा? जिस दिन भरत को पता चलेगा ना, भरत अपना राज्य राम को दे देगा और तुम देख लेना। लेकिन तुम चाहती हो तो जाओ, राम को नहीं भरत को राज्य दिया। दूसरा बताओ और क्या चाहिए? जैसे ही दूसरा वरदान मांगने को कहा, महाराज दशरथ का वाम अंग फड़कने लगा। महाराज दशरथ के माथे से ताज गिरने लगे। अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगा। ताप सबे सबी से सब उदासी ताप सबे से सब उदासी ताप सबे सविशेष उदासी ताप सबे सविशेष उदासी। कहने का महाराज, महाराज दशरथ ने जब ये दूसरा वर मांगो कहा, कहके ने जैसे ही ये दूसरा वरदान मांगना शुरू किया, कहके के ये दूसरा वरदान आने वाले 14 सालों तक ये अयोध्या में फूलों को नहीं खिलने दिया। कहके के इस दूसरे वरदान ने ये अयोध्या के लोगों को 14 वर्षों तक मात्र और मात्र फलाहार करवाया। कह के इस दूसरे वरदान ने अयोध्या में 14 वर्षों तक बसंत को आने दे दिया। कह के इस दूसरे वरदान ने 14 वर्षों तक अयोध्या में सूर्य को नहीं उदय होने दिया। कह के दूसरे वरदान ने 14 वर्षों तक अयोध्या में चूल्हे को जलने नहीं दिया। किसी प्रकार का उत्सव, किसी प्रकार का आयोजन, किसी प्रकार का शादी विवाह। कई का या दूसरा वरदान तीनों रानियों के सिंदूर को मिटा दिए। कई का या दूसरा वरदान राजा दशरथ के प्राण को ले लिया। ताप सवे सविशेष उदासी 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 ताप सवे सविशेष उदासी। यह आधा पद सुनकर महाराज दशरथ समझे तापस वेश। महाराज दशरथ समझे तापस वेश। तापस माने तपस्वियों का वेश, वेश माने परिवेश। तपस्वियों का वेश पहनकर और उदासीन होकर कई कई मुझे कहने वाली है। मुझे कह रही कि राजन अब बहुत राज कर लिया, बहुत उम्र हो गया, अब तपस्वी का वेश धारण करो और जंगल में जाकर के भजन करो। क्योंकि राम की तो कोई कल्पना भी नहीं थी ना, स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकते थे कि कई कई ऐसे बोले। कई कई से भूल से भी कोई नहीं सोच सकता। ताप सवेश विशेष उदास
सीता पसवे सवि से उदासी ताप सवे सवि से उदासी ताप सवे सवि से उदासी। चारों मोर महल में ये आधी चौपाई गूंजने लगी, चारों ओर गूंज रही है। ताप सवे सवि से सबुदासी ताप सवे सवि से सिउदासी चारों ओर गूंज रही है पूरे महल में, राज दरबार में, चारों ओर यह वेश गूंज। महाराज दशरथ सोच नहीं पा रहे क्या क्या बोलने वाली है ये। चौदहों बरिश राम बनवासी चौदहों बरिश राम बनवासी चौदहों बरिश पद महाराज दशरथ ने जब सुना, महाराज तपस्या का विशेष विशेष करके उदासीन होकर सारे राजमहल के सुख त्याग कर, सारे वस्तुओं को त्याग कर 14 वर्षों तक तुम्हारा राम वन में चला जाए, ऐसे सुनते जैसे कोई सिंह किसी हाथी को त्रात मारे और गजराज हाथी भूमि पर गिर जाए। कई वर्षों से जड़ जमाया हुआ वट वृक्ष के ऊपर बिजली गिरे और वह वट वृक्ष धरती पर गिर जाए, वैसे महाराज दशरथ ये सुनकर धरती पर गिर गए। ताप सवे सवि शेष उदासी ताप सवे सवि शेष उदासी चौदहों बरिश राम बनवासी चौदहों बरिश राम बनवासी चौदहों चौदह वर्ष को राम को भेद बन को बन में भेजना है। ये महाराज सुनते ही महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए, रोने लगे, कहने लगे ये क्या हो गया। अरे 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 मैं तो चंद्र बना रहा था, ये राहु कैसे बन गया, ये राहु कैसे बन गया। विधि का खेल यही है भक्तों, प्रारब्ध की लीला है, धारणा कुछ और घटना कुछ और। चौदहों बरिश राम बनवासी चौदहों बरिश राम बनवासी। महाराज दशरथ ये वचन सहन नहीं कर पाए, राम बोलकर भूमि पर गिर गए, भूमि पर गिर गए। महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी हम महाराज कैकेयी मुझे विश्वास है कि तुम राम को वन में नहीं भेज सकती, निश्चित तुम मेरे प्रेम की प्रतीक्षा ले रही हो या मुझसे हंसी कह रही हो। कैकेयी यदि परीक्षा ले रही हो, हंसी कर रही हो तो जल्दी खुलासा करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारा ये मजाक ये मेरे प्राण को हर रहा है। जल्दी बताओ कि तुम हंसी कर रही हो। कई भयंकर भाषा कहने लगे, महाराज महाराज किसके बल पे बोल रहे थे, मांगो मांगो वर मांगो वर मांगो है? कभी से बोले जा रहे थे मांगो मांगो, जब मांगा तो हो गया, जब आपके राम को राज देने की बात आई तो तुरंत दे दिया, और मेरे दशरथ को गादी देने की बात आई तो बस हो गया, क्षमा चाहूंगा मेरे भरत को देने की बात आई तो बस हो गया। क्या मेरा भरत आपका पुत्र नहीं है राजन, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, क्या आप मुझे खरीद के लाए हैं है? महाराज दशरथ गिरे हुए हैं। कई कहते महाराज, कई कह रहे हैं
महाराज कह रहे हैं कि कई कई मैं शिव जी का शपथ खा करके कहता हूं कि राम और भरत दोनों मेरे दो आंखें हैं, मैंने स्वप्न में भी राम और भरत को कभी अंतर नहीं देखा, कह कई कभी अंतर नहीं, कभी राम और भरत में कोई अंतर नहीं। मोरे भरत राम दुई आंखें, मोरे राम भरत दो आंखें, मोरे राम दुई आंखें, सत्य कहूं करी शंकर साके, सत्य कहूं करी शंकर साके, कहके तू ऐसा मत बोल तुझे पाप लगेगा, कहके तू ऐसा मत बोल तुझे पाप लगेगा, मैं शिव जी की शपथ खा के कहता हूं, कह गई ये राम और भरत मेरे दोनों दो आंखें हैं, कह गई दोनों दो आंखें, स्वप्न में भी मैंने कभी राम और भरत में कभी अंतर नहीं सोचा, और कह गई तुम्हें शंका हो रही है कि कौशल्या ने मुझे कहा है, तो मैं खुलासा कर रहा हूं, कौशल्या ने मुझे कभी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि तुम राम को राजा बनाओ, अरे ये तो मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी और तुम्हारी इच्छा थी कि राजा कौन बने, राम बने, तुम ही तो बार बार कहती थी कि राम राजा होने चाहिए, मेरी इच्छा से यह निर्णय ले लिया, बस इतनी गलती हो गई कि तुमसे पूछा नहीं, और मेरी इतनी सी गलती कि इतनी बड़ी सजा मत दो, कहीं इतनी बड़ी सजा, तुमने ये क्या मांग लिया, चौदही बरिसी राम बनवासी, चौदही बरिसी राम बनवासी, चौदही कह के कठोर शब्द में कहते हैं महाराज अब ये रुदन करना बंद करो, आपका ये रोना आपकी ये माया मुझ पर नहीं चलेगी, आपने क्या सोचा था मैं कोई सामान्य वस्तु मांगूंगी, आपने क्या सोचा था कि मैं कोई साधारण वस्तु मांगूंगी, यदि दे सकते हो तो कहो और नहीं दे सकते हो तो तोड़ दो अपना बचपन। महाराज दशरथ बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं और पता नहीं, क्योंकि रघुकुल रीत वचन नहीं तोड़ी जाती और दूसरी ओर राम का प्रेम महल में चारों ओर कह कह की ये बात गूंज रही है, क्या चौदही बरस राम बनवासी, चौदह बरस राम बनवासी, महाराज दशरथ बार बार मूर्छित हो रहे, कभी कभी भयंकर शब्द बोलते हैं कि कह कहीं मैं तुम्हारा पति हूं, रघुकुल में सूर्य वंश में आज तक किसी भी पति ने अपने पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और हाथ जोड़कर तुमसे विनंती करता हूं, भीख मांगता हूं, यह अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट आज तुम्हारे सामने भीख मांगता है, कह कही अभी भी अपनी विचार बदल दो, कह कही अभी विचार, और यदि तुम्हें राम को वन में भेजना ही है, कह कही अरे तुम निर्णय ले ही चुकी हो तो राम को वन में भेजना ही है, तो एक काम करो ये देखो दीवार पे तलवार पड़ी हुई है, उठाओ और मेरे कलेजे को काट दो, मस्तक काट दो, क्योंकि मैं जीते जी राम को वन में जाते नहीं देख पाऊंगा, क्या कहने का राजन ये मेरा अंतिम निर्णय है, नहीं नहीं बदल बोलते महाराज दशरथ कहते नहीं बदलेगा, तो मेरा भी निर्णय सुन ले, राम को जब पता चलेगा कि 14 वर्ष तक जाना है वह तो आज्ञा पुरकारी पुत्र वो तो तुरंत चल जाएगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद जब वह वनवास से वापस आएगा या अयोध्या का राजा भी बन जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा कई कई, लेकिन दो चीजें जिसे गंगा जल भी पवित्र नहीं कर पाएगा, वह एक है तुम्हारा कलंक और दूसरा है मेरा पछतावा, के कई तुम पर बहुत बड़ा कलंक लगेगा जिसे गंगा जल भी नहीं धो पाए, अभी भी समय है अपना निर्णय बदल दो, इतना कहकर महाराज दशरथ गिर गए। महाराज दशरथ रो रहे हैं अपना निर्णय, के कई अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार है,
महाराज दशरथ सूर्य देव से विनंती करते हैं कि भगवान भास्कर, कल सूर्य देवता, कल आप आकाश में उदित मत होना, क्योंकि कल अगर आप उदित हो गए तो अयोध्या का सूर्य हमेशा के लिए डूब जाएगा। महाराज उदित मत होना, कल यदि आप अयोध्या में उदित हुए तो अयोध्या भाग्य विहीन हो जाएगा महाराज, अयोध्या का प्राण निकल जाएंगे। एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट आज रो रहा है, यही है जीवन, सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और, पर तो जीवन की किताब यही है, एक पन्ने में सुख दूसरे पन्ने, किसी एक पत्ते पर संयोग है तो दूसरे पत्ते पर भी है, जीवन के रंग इस प्रकार बदलते जाता है। महाराज दशरथ मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं मेरी पुत्रवधु सीता को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। राम तो आज्ञाकारी है, वो वन में चला जाएगा और जब देवी सीता मुझसे पूछेगी कि पिताजी राम कब आएंगे, तब मैं क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा, वैदेही को क्या दूंगा। यह सोचकर महाराज दशरथ मूर्छित पड़े पड़े भूमि पर रो रहे, दशरथ फूट फूट कर रो रहे। इस प्रकार अयोध्या के महल के अंदर, राजमहल के अंदर यह घटना हो रही है, और महाराज बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं कि कब ब्रह्म मुहूर्त हो, कब सवेरा हो, और इस यवध के राजा, इस अयोध्या के राम राजा बने और हम उनको अपनी आंखों से आंखें भर भर करके देखें। हरे कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबसे पहले जिन माताओं ने नाम लिखाया है जपमाला के लिए, वहाँ पर काउंटर लग चुका है, वहाँ से जाके आप जपमाला ले लीजिए, जैसा भी आप पसंद करें, आप अपने पसंद से आप वहाँ से जपमाला लेकर आइए। तब तक कुछ सूचना है, मैं बताता हूँ। प्रभु जी भी थे सामने, जहाँ से दरवाजे पे प्रवेश आप करते हैं वहाँ पे बहुत सुंदर काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे मिल रहा है, आप वहाँ से ले लीजिए। बहुत ही सुंदर है, पिछले 2-3 दिन से भगवान राम की सुंदर लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज भी प्रभु जी कथा के माध्यम से बहुत सुंदर शिक्षा, अहिल्या उद्धार की लीला का श्रवण कराए। वास्तव में मैंने प्रभु जी के मुखारविंद से सुना है कि व्यक्ति जब इस जीवन में, इस भौतिक जगत में पति पत्नी साथ मिलकर भजन करता है और पूरा जीवन भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो यहाँ से जाने के बाद भी भगवत धाम में भी वह पति पत्नी के रूप में ही भगवत सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, ऐसा सुअवसर उसको प्राप्त होता है। जैसे कि अहिल्या और गौतम ऋषि, गौतम ऋषि चले गए लेकिन अहिल्या से, जब भगवान के चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ तो अहिल्या भी राम जी की कृपा से वहीं पर चली गई जहाँ पर गौतम ऋषि गए हुए थे, और वहाँ भी ये दोनों साथ में ही भगवान राम की सेवा करते रहे। साथ ही साथ और कथा आगे बढ़ी तो आपने देखा कि कितना सुंदर राज्य, भगवान राम, दशरथ, लक्ष्मण सब आनंद से हैं, लेकिन एक कैकेयी के प्रवेश करने के कारण, जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है, प्रभु जी बताए ना कि पूरे रामायण में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है, कहाँ की थी और कैसे उसका जीवनी था कुछ भी पता नहीं,
तो संगति का ऐसा प्रभाव है जीवन में कि कैसे लोगों का हम संग करते हैं इसका बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो बुरा जीवन भी अच्छा बन जाता है, और अगर बुरे लोगों का संग करेंगे तो अच्छा जीवन भी बिगड़ जाता है। महाराज इसी रामचरितमानस में दिया गया है धूल का उदाहरण रज। ये जो धूल है हवा का संपर्क पाता है तो यही रज जो है आकाश में उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन यही रज जब जल का स्पर्श करता है, जल का संग करता है तो कीचड़ बन जाता है। धूल वही है लेकिन संगति का कितना प्रभाव पड़ा, हवा का संपर्क पाया तो आकाश में चला गया और जल का संपर्क पाया कीचड़ बन गया, जिसको कोई छूना स्पर्श भी नहीं करना चाहता है। रज एक ही है। तो वास्तव में यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि जल का जो स्वभाव होता है ना वो हमेशा ऊपर से नीचे बहना ही होता है, और हवा का जो स्वभाव होता है वो नीचे से ऊपर बहता है। तो जो साधु पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, या जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो कभी भी जीवन में किसी के अहित के बारे में नहीं सोचता। वो हमेशा यही सोचता है कि कैसे संसार के जीवों का कल्याण हो। लेकिन जो दुष्ट होता है वो हमेशा उसका ऐसा स्वभाव ही होता है कि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाना। तो ये सभी बुद्धिजीवी हैं, सब समझदार हैं। इन कथाओं को जैसे देखा ना आपने, कई कई का संग करने के कारण इतनी प्रसन्न सुमित्रा भी दुखी हो गई। कितना प्रेम करती थी राम से और कितनी प्रसन्न हुई कि राम राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 दुष्ट लोगों की बातों को सुनते 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 सुमित्रा जैसी नारी भी बिगड़ गई, और बिगड़कर इतना उत्पात हुआ कि आगे आप सुनेंगे भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसलिए भक्तों ये कथा, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका कोई आर पार नहीं है। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन में कुछ लेकर जाना है, कुछ सीखना है कि हमें इस जीवन में पति पत्नी मिलकर भगवान का भजन करना है, और क्योंकि यहाँ हम भजन करेंगे तो भगवान के धाम में भी जाकर हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। और दूसरी शिक्षा कि हमें जीवन में अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, जो हमें एक अच्छा पथ प्रदर्शन दिखाए, जो हमें हमारे जीवन की लक्ष्य को बताए। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा यहाँ पे चल रही है, और वास्तव में आज जैसा कि प्रभु जी बताए कि आज माधव तिथि भक्ति जननी एकादशी तिथि है, और इस एकादशी तिथि में शुद्ध साधु वैष्णव के मुख से हमें हरि की कथा सुनने का सौभाग्य हो रहा है, भगवान राम की कथा सुनने का सौभाग्य हो रहा है। भागवत महात्म्य में दिया गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति पुण्य कार्य करता है तब यह शुभ अवसर प्राप्त होता है, तब व्यक्ति सुन पाता है। और इस प्रकार से अगर बार बार सुनता रहे, बार बार सुनता रहे, जब भी आयोजन हो, जब भी कार्यक्रम हो, जहां अवसर मिले, जहां जिस परिस्थिति में अगर ये अवसर मिलता रहे और बार बार व्यक्ति सुनता रहे, तो कहते हैं कि यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान श्री हरि के चरणों में व्यक्ति का मन जो है टिक जाता है, फिर वहां से कहीं जाता नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भागवत में रुक्मिणी का है। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, केवल कृष्ण के विषय में सुना था, और केवल सुनने मात्र से रुक्मिणी के मन में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा हो गई। नहीं नहीं, अब कुछ भी हो,
पति अगर बनाना है तो उसी को बनाना है जिसके विषय में मैंने सुना है, इतना सुंदर गुण है, सुनने कितनी बड़ी महिमा है। तो आइए हम हृदय से प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज एक्चुअली में सामान जो भगवान से गौरांग गिफ्ट सेंटर का आया हुआ था, कई एक दिन पहले आया था, लेकिन वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, आज भी है, लेकिन प्रभु जी वहाँ से आज आए हैं तो आज काउंटर लग चुका है जहाँ पर सब कुछ जो भी आध्यात्मिक वस्तु चाहिए ठाकुर जी के लिए या जो भी चीज़ चाहिए, बताना नहीं है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। आज और कल ये दो दिन काउंटर वहाँ पे लगेगा। साथ ही साथ आज दिन में भी मैंने अनाउंसमेंट किया था सुबह के सत्र में कि कुछ सेवा है, जैसे चावल चुनने की सेवा है और सब्जी कटिंग की सेवा है, तो सब्जी कटिंग की सेवा तो रात में ही होती है, तो अभी भी मैं माता जी लोग से निवेदन करूँगा कि समय निकाल कर ये सेवा जरूर करें, चूँकि कल भंडारा है और भंडारा में जो भी सेवा होता है करना चाहिए, तो आज शाम में चावल चुनने की सेवा और सब्जी कटिंग की सेवा होगी। और कल का जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम कल चूँकि सभी जितने भी भक्त आएंगे और आएंगे क्या, आना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 6 दिन भी नहीं आया और अंतिम दिन भी आ गया और अगर महाभंडारा का प्रसाद उसके जीवा से अगर हृदय में अंदर गया, बैठ जाइए तो उसका चित्त जो है पवित्र हो जाता है। प्रभु जी बताए थे बहुत सुंदर प्रसाद की महिमा, तो मैं इस भागवत पंडाल से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सारे लोगों को हृदय से आमंत्रित करता हूँ कि कल सभी लोग आएं और कल जो भंडारा होना है इस भंडारे के प्रसाद को पाएं। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और कल का जो कार्यक्रम रहेगा वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। हाँ लिखा है गिलवान हमदा। तो इस प्रकार से कल का जो कार्यक्रम होगा तो कल आप लोगों से भी निवेदन होगा कि कल आप लोग समय से आइए, क्योंकि यह भी एक भागवत की मर्यादा है कि जब तक कथा व्यास गद्दी पे आकर आसीन नहीं होते हैं उससे पहले भक्तों को आ जाना चाहिए। ये भागवत की मर्यादा है, भागवत का सम्मान है। और भागवत क्या है, तो भागवत में कहा गया है कि तेने वांग में ही मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो आप भक्त हैं, प्रेमी हैं, स्नेही हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है, भले ही कथा 1 बजे चालू हो, लेकिन आप समय से आने का प्रयास कीजिए ताकि मैं भी कार्यक्रम को समय से करा पाऊँ। और यहाँ पर 3 बजे तक कथा चलेगी, 3 बजे के बाद सभी लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था रहेगी। और कुछ भक्तों ने अपना नामकरण कराया है तो प्रभु जी चौकी को हटाया जाए वहाँ से, कैसे नहीं प्रभु जी आपके हाथ से ही, नहीं आज एक हाथ से ही, क्या नाम है, अच्छा आज हमारे बीच ये जो हमारा धर्मपुरा पंचायत है तो इस धर्मपुरा पंचायत की वर्तमान मुखिया क्या नाम मालती देवी जी का आगमन हुआ है, उनका भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से भार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बैठ जाइए, 5 मिनट आरती लेकर ही जाइए, आरती अभी 5 मिनट में होगा, इसके बाद प्रसाद लेकर जाइएगा। तो सबसे पहले मैं अभय तिवारी जिन्होंने
सात दिन तक कथा श्रवण किया, छः दिन तक, और उनके मन में जिज्ञासा हुआ कि प्रभु जी के कर कमलों से मुझे जप माला दिलवा दीजिए। तो अभय तिवारी जी आइए और प्रत्येक भक्तों का हम महामंत्र से भार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौकी हटा, नहीं। तत्पश्चात सरोजना देवी माता जी आ जाइए। इनकी बहुत पहले से इच्छा थी लेकिन मैं व्यस्तता के चलते दिला नहीं पाया, ये हमारी तरफ से कमी हो गई थी। लेकिन जिस दिन प्रथम दिन की कथा हुई थी उसी दिन, उसके एक दिन के बाद हमें सूचना प्राप्त हुआ कि जप माला करना चाहती हैं, बहुत अच्छा है। इनका भी हम महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बबीता देवी बबीता देवी और अमीषा कुमारी, अमीषा कुमारी प्रथम बार जब मैं यहाँ पे कार्यक्रम कराया था तो संजय जी आज भी मेरे साथ हैं, आज भी सामने बैठे हुए हैं और प्रतिदिन आते हैं, हर प्रकार से सहयोग भी करते हैं। तो उनकी बेटी है और उनकी पत्नी बहुत पहले से ही भक्त है, तो आज बेटी के भी मन में जिज्ञासा हुआ तो इनका भी हम महामंत्र से भार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बबीता देवी, संगीता देवी, सविता कुमारी, सुधा कुमारी, नयनतारा देवी, ये सविता कुमारी सुधा कुमारी ये दोनों तेज नारायण जी की पुत्री हैं और इनका पूरा परिवार वैष्णव है। प्रतिदिन मंगला आरती में रेगुलर समय से, चाहे मंगला आरती हो या संध्या आरती हो, पूरा परिवार आते हैं और घर पे गोपाल जी भी रखे हैं, बहुत सुंदर सेवा करते हैं। तो इनका भी और इनके पूरे परिवार का हम आमंत्र से भार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या नाम है आपका? संगीता, ठीक है। बबीता देवी नहीं आई, अभी नहीं आई होंगी, ठीक है। तो कल भी जो लोग लेना चाहें तो कल भी हम लोग प्रभु जी के हाथों से जपमाला दिलाएंगे और कल भी आप नाम लिखा सकते हैं, तभी भागवत जी की आरती होगी और भागवत जी की आरती के पश्चात, हाँ, प्रभु जी का एक निवेदन है कि कल जो सुबह में क्लास होगा यहाँ पे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, वो स्पेशल गृहस्थों के लिए है और प्रभु जी की बहुत सुंदर इच्छा है, बहुत इच्छा है कि कल का क्लास बहुत ही सुंदर होने वाला है सुबह में। तो मैं निवेदन करूंगा कि कल के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए, क्योंकि जब साधु सामने से कहे कि कुछ अलग होने वाला है तो उन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो प्रभु जी की बहुत सुंदर इच्छा है कि कल सुबह का क्लास बहुत स्पेशल है और विशेषकर हम गृहस्थों के लिए है। तो मैं निवेदन करूंगा माता जी और प्रभु जी लोग से कि कल सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे का समय जरूर निकालें इस कथा के लिए। और साथ ही साथ एक माता जी की तरफ से एक प्रभु जी के लिए चादर आया है। एक्चुअली में चादर स्वर्गीय गिरीश नारायण जी की तरफ से उनकी पत्नी है, बहुत पुराने भक्त थे प्रभु जी। जब हम लोगों ने यहाँ पे
भक्ति प्रारंभ किया, जब मैंने करना शुरू किया, उसी समय से वो भक्त बन गए। और इतनी तीव्रता से आज हमारे बीचों नहीं है, लेकिन जितना समय रहे उतना समय तक इतनी तीव्रता से, इतनी तीव्रता से भजन किए कि जब उनके मृत्यु का समय हुआ तो उस समय भी उनके गर्दन में झोली माला था। और हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे उस समय तक भी भगवान का नाम और जप माला उनके साथ में, उसी शमशान तक ये चीज साथ में था उनके, और उन्हीं का दिया हुआ, ये जो बेल की गांची देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का दिया हुआ पौधा है। तो जब भी मैं इसको देखता हूँ और जब भी कथा होता था तो प्रतिदिन पूरा दिन यहीं पर रहते थे, भक्ति करते थे, जप करते थे, बहुत सुंदर भक्त थे। और उस समय उनकी पत्नी सदाफल आश्रम में थी, लेकिन उनके जाने के बाद, और आज भी गए नहीं, आज भी वो इस वृक्ष के रूप में हमें तो लगता है कि हैं और वो सुनते हैं। तो उनकी पत्नी भी पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो चुकी हैं, प्रतिदिन मंगला आरती संध्या आरती आती हैं, जप करती हैं। तो उनके तरफ से ये आपके लिए एक चादर आया है, तो हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अब भागवत जी की आरती होगी, सभी लोग खड़े हो जाएं और भागवत जी की प्लेट तैयार कीजिए। उपेंद्र कृष्ण प्रभु आइए, हाँ लेके आइए, जल्दी लेके आइए, क्या लिख ले बड़ा ये? शांति देवी, रीना देवी, अतुली देवी। शांति देवी आप हैं? अच्छा, शांति देवी, रीना देवी और टूनी देवी। वास्तव में देखिए ये दो झोली माला है, ये हमारी दुआ है। वो कौन है वो लोग आपकी? अच्छा, ये हमारी फुआ की बेटी हैं, नहीं वो तो दूसरी हैं, तो इनकी बेटी की दोस्त है। और उन लोगों ने जिज्ञासा किया है कि आप वहाँ से हमारे लिए भी जप माला लेकर आइएगा, सासाराम में रहती हैं, तो दो झोली माला है। तो एक बार फिर आपको कष्ट थोड़ा सा ले लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांति देवी, रीना देवी और टूनी देवी, जल्दी से आ जाइए। और झोली माला ले रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और एक चीज मैं आपसे और निवेदन करूं कि ले लीजिए, क्या नाम है? रीना देवी। शांति देवी और टूनी देवी, शांति देवी टूनी देवी, जहां कहीं पर भी है जल्द से जल्द आ जाइए। और एक निवेदन और रहेगा, टूनी नाम है ना, ओहो टूनी कुमारी लिखो भाई, कैसे लिख दो नाम, सही सही लिखा करो, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये शांति देवी ले लीजिए माता जी। हरे कृष्णा कहाँ कर रहे हैं? कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम। ये तीन माता जी जो हैं सिंहवा से हैं, ये बगल का गांव है प्रभु जी, और वहाँ से काफी भक्त कथा में आते हैं, चूंकि बगल में ही है और बहुत उत्सुक रहते हैं, तो वहाँ के लोगों का भी विशेष सहयोग रहता है, योगदान रहता है। तो अपना नंबर लिखाइए अभी नहीं ना, अच्छा इस पे अपना नंबर डाल दीजिए, फोन नंबर मैं दे रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा, अच्छा के कर प्रभु जी के, ठीक है, क्या नाम हुआ,
सुनील कुमार सिंह, ठीक है ठीक। हरे कृष्णा इस पे अपना नंबर लिख दो। महामंत्र तो बोलिए, आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपना नंबर आप लोग दे दीजिएगा। नंबर इसलिए लिया जा रहा है कि कभी कोई कार्यक्रम हो तो विशेषकर भक्तों से संपर्क स्थापित किया जा सके, या ऐसा प्लानिंग अभी मैं कल के दिन में बताऊंगा, आज समय हो गया है काफी, इसलिए भागवत जी की आरती डायरेक्ट। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अति पावन पुराण की, बुझा आरती अति पावन पुराण की, रसिका हृदय रस रास विला
सुधासिनी गोपी मोती रति प्रेम सुधासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा ताली बजाने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राघवेंद्र जी राघवेंद्र जी पीछे क्यों रहते हैं आगे आना तो हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे Thank you.
सुनिए जन्म सफल करो भाई बाजू माता जी का और नाम आया है वो लोग भी आ जाए जब पला ले ही ले आज ही मनोरमा देवी बिलासपुर से है कराघर के पास है वो यहाँ जो यहाँ के आयोजक अभी हैं कथा के उनके घर आई हैं तो उनके रिलेटिव हैं और सुनीता देवी कोचा से तो आ जाइए आप लोग चालू करें नहीं अभी नहीं मनोरमा देवी है सुनीता देवी आइए क्या नाम है मनोरमा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये कोचस कोचस कर रहे आपका हरी वो ठीक है गीता देवी और बबीता देवी ये दोनों भक्त धर्मपुरा की हैं तो इनका भी हम आमंत्र से भार व्यक्त करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे खूब प्रेम से जप कीजिए और मंदिर में आइए यहाँ पे सेंटर है मंदिर में भक्तों के संग में आइए स्टार्ट हाँ जन्म सफल करो भाई बाजो गौरा निताई जन्म सफल करो भाई बाजो गौरा निताई गौरा निताई बाजो गौरा निताई गौरा निताई बाजो गौरा निताई गौरा निताई बाजो गौरा निताई जन्म सफल कार्यक्रम शाम में 6:30 बजे ठाकुर जी की आरती इसके बाद